थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग. बैक टू बैक हो रहा है, बट थैंक यू वीकेंड का टाइम निकाल के सुनने के लिए लाइव. और जो जो लोग यूट्यूब पे सुनते हैं उनके लिए भी थैंक यू. जो कमेंट्स करते हैं यूट्यूब पे उनके लिए बहुत थैंक यू. समझ में आता है, यहाँ पे तो समझ में आता है, आपके आपका रिएक्शन आ ही जाता है यहाँ पे इंस्टा पे ना. अगर आप सिर्फ साइलेंट लिसनर भी हो ना, कभी कभार डाल दिया करो, हमें भी समझ में आता है कि हम कनेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. बट यू नो यूट्यूब पे जो कमेंट्स करते हैं, थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है. ओके, सो ऑन दैट नोट, संडे इज अ फन डे. ऑन दैट नोट, आई थिंक शहनाज हैड अ गुड डे. उसने एक तस्वीर भी डाली थी, पिक्चर्स, आई थिंक पिंगलवाड़ा के पिक्चर्स की तस्वीर डाली थी. सो आई थिंक शी इज इन अ गुड प्लेस. सो सेंडिंग हर लॉट ऑफ लव एंड एनर्जी. नैप नहीं लेना है अभी, नैप का टाइम नहीं है अभी. अभी अमन का लाइव है तो नैप नहीं लेना है. ओके, सो ये रिकैप है एपिसोड 103 एपिसोड का है ये, आई थिंक, है ना? 103 का चल रहा है ना अभी, 102 चल रहा है, सॉरी 102 चल रहा है, लेकिन डे 103 स्टार्ट होता है. 102 करेक्ट. ओके, सो ये कैप्टेंसी हो गया, नॉमिनेशन सब, सारा घर नॉमिनेटेड है. वीकेंड का वार से बहुत सारे कांड हो रहे हैं, ठीक है. शॉर्ट में ही दूंगी रिकैप, बिकॉज ये जो अनसीन्स हैं, अनसीन्स के बारे में एक दो अनसीन्स हैं. लेट मी जस्ट रिकैप माय अनसीन्स. हैंग ऑन, आई एम जस्ट गोना गो. होल्ड ऑन, सॉरी, आई शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड विद माय अनसीन्स. अच्छा, एक और चीज है, ये येलो, आई थिंक हमने उस दिन टच किया था जब ये लाइक 101 या 100 वाला कर रहे थे, 101 जो एपिसोड डिकोड कर रहे थे, उसमें जो शहनाज येलो ड्रेस में होती है, वहां पे एक अनसीन है, वो खाना खा रही है बाहर गार्डन बेंच पे. ये बात की थी, मुझे याद नहीं है, अगर किसी को याद हो तो बताना. बट शॉर्ट में वो अनसीन में यहाँ पे बेसिकली काटा क्या कर रही है, हमने जैसे बोला ना, ये हफ्ते से चालू होता है इनका जो एज शेविंग को लेकर, मतलब सिद्धार्थ के एज को लेकर उसको एक टॉपिक बना दिया गया कि वो उम्र में है, वो 40 साल का है, तू 25 की है, 15 साल का डिफरेंस है. ये पूरा जो चल रहा है, हाँ की थी, ओके थैंक यू. तो वो सब एवरीबडी स्टार्टेड टू टॉक अबाउट इट टू शहनाज, राइट, कि एज डिफरेंस है. तो एक अनसीन है, वो अभी मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज हम आगे जाके उसका वो, आई विल हेल्प कनेक्ट द डॉट्स ऑन दैट. वो जो काटा बैठती है उसके साथ गार्डन बेंच पे, और नहीं आज अनसीन डिकोडिंग नहीं है, काटा और सिद्धार्थ दूसरे बेंच पे बैठता है गार्डन एरिया में, और वहां पर खाना खा रही है, और ये बोल शहनाज वांट्स टू नो कि सिद्धार्थ और काटा का कब, व्हेन दे सॉ ईच अदर, समथिंग लाइक दैट. तो तुम लोग कब से जानते हो, ऐसे कुछ पूछते हो, बहुत कैजुअली पूछती है. तो काटा फिर चालू हो जाते, पूरा हिस्ट्री निकालती है, 94 तू कितने साल की थी, तू यू नो 10 साल की थी. अच्छा, हंसते हैं वो लोग, अच्छा 10 साल की थी. फिर काटा शायद प्रोबेबली, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ये जितना मीडिया में सुन देखा है, बिकॉज सिद्धार्थ ने कुछ नहीं बोला, जितना ये बंदी कौन है काटा ने बोला है मीडिया में उतना ही वी कैन गो बाय दैट एंड व्हाट वाज प्रिंटेड. शायद 3-4 महीने दे मस्ट हैव डेटेड और समथिंग, आई डोंट नो, अगेन डू नॉट कोट मी ऑन दिस, बिकॉज
मुझे नहीं पता तो, बट यहाँ पे वो चालू होता है कि you know, 10 साल की थी मैं, 10 साल की थी वगैरह, तो हंसती है वो वहां पे काटा, एक ऐसे एटीट्यूड देती है दिखाने के लिए कि तुम दोनों में कितना गैप है. जानबूझ के ही कर रहे थे सब लोग, बिकॉज उसी दिन सवेरे मोमो भी बोलती है वो उमर में है आ जाएगा, नॉमिनेशंस के दिन भी, एक दिन पहले भी नॉमिनेशंस के दिन भी बोलती है कि वो 40 साल का है, वो ग्लास रूम में भी जाके बोलती है, दो दो बार बोलती है, तू अकेली आई थी, तू निहत्ती है, ये वो, राइट. तो ये सब कुछ हो रहा है. व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस विल कम इन द अभी आगे जाके. और एक अनसीन आई थिंक हमने बात किया था, जो यू नो झमुरी का और शहनाज का और इसका बेडरूम में होता है, जहाँ पे झमुरी बेसिकली बोलती है कि मैं मोमो या रावण को सपोर्ट करूंगी. एंड आई थिंक और बहुत सारे अनसीन्स हैं वो टील वाले स्वेटर में, जिस दिन कैप्टनसी का टास्क हुआ था, जो शहनाज सिद्धार्थ के हिप्स के ऊपर बैठ के मेकअप करती है और वो बोलता है आई थिंक यू सिटिंग ऑन माय हिप्स और समथिंग, फिर वो उठ के अपना नील करके मेकअप करती है. बहुत सारे, और इसी में वो है अनसीन जो सिद्धार्थ बोलता है सोल के बारे में, आई थिंक हमने ये भी बात की थी कि इसके ऊपर मत करो, जो अंदर है उसके ऊपर फोकस करो, ये सब चला जाएगा. ओके एंड ऑल राइट, तो ये सारे अनसीन्स हैं. ओ रियली, काटा एंड हर हस्बैंड हैव 10 इयर्स गैप, ये नहीं पता था. अच्छा, पराग 10 साल बड़ा है उससे, नॉट दैट मैटर्स बट आई डिडंट रियलाइज दैट. तो ये लोग क्यों इतना एज गैप एज गैप एज गैप. I'll stand by you. हाँ, you're currently sitting on me. हाँ. Oh, that was such a cute unseen. अच्छा, परा काफी बड़ा. ओके, ठीक है. ऑलराइट, तो ये वाले एपिसोड, थैंक यू रुचि, बस नाउ आई एम ऑन द एपिसोड. स्नेहा आ जानी चाहिए अभी, एनी टाइम. आई एम जस्ट टाइमिंग सो दैट स्नेहा आने तक. ओके, तो ये वाला एपिसोड शुरू होता है, नोबडी इज अ कैप्टन, और किसी को टिन रूम नहीं मिला है, और सारा घर नॉमिनेटेड है, तो जो हमारे मास्टरमाइंड्स को चाहिए था वो हो गया, तो बड़े खुश थे दोनों. और शुक्ला जी तो फिल्मी बने हुए थे, मस्ती खोर शुक्ला जी बने हुए थे, बहुत कुछ हो रहा था, बहुत फन फन वाला था वो. द इवनिंग वाज लॉट ऑफ फन. और सिद्धार्थ ने तबीयत से एक एक की बजाई है. मेरे को क्या लगता है ना, सिद्धार्थ इतना आ गई है स्नेहा, गुड मॉर्निंग. जितना स्मार्ट सिद्धार्थ है ना, जितना जितना शार्प उसका माइंड है, मुझे लगता है कि काफी लोगों को उसकी गेम, मतलब चैनल वालों को भी उसकी गेम समझ नहीं आई, इसीलिए वो जो बिग बॉस की आवाज है, जो बंदा है, वो भी बोलता है कि सिद्धार्थ इज वन ऑफ द 2 or 3 people हु आर द स्मार्टेस्ट. सो बिकॉज उनको भी समझ नहीं आई कि ये बंदा क्या कर रहा है. एंड आई थिंक दैट्स वाई फैंस बहुत इजिली मिसअंडरस्टैंड कर गया है सिद्धार्थ, बिकॉज उसी बाकियों की सारों की गेम ओपन थी, सब लोगों ने अपनी असलियत दिखा दी थी. किसकी नहीं दिखी गेम? सिद्धार्थ और शहनाज की, बिकॉज दे वर मिसअंडरस्टूड अ लॉट, बिकॉज दे वर वेरी वेरी स्मार्ट. हाय स्नेहा, हैप्पी हाय, गुड संडे, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग. संडे. हाय 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 अमन, हाय, हैप्पी हैप्पी संडे. संडे, चलो, गुड मॉर्निंग. सॉरी फॉर गुड बीइंग लेट. मॉर्निंग. अरे सॉरी, नहीं, इट्स ओके. मैंने रिकैप दे दिया, और हमने वो एक फन वाला भी सीन देखा, जहां पे जमुरी को मसला को उठा, आई जस्ट कैन नॉट गेट ओवर दैट. आई हैव नो आइडिया व्हाई, पता नहीं. एनीवे, ओके,
चलो दो सब लोगों ने देख लिया होगा. हाँ चलो अभी 103 ना डे 100 हाँ डे हाँ हाँ तुंगु तुंगु बाजे से शुरू होता है. मेरे को किसी ने बताया कि वो दिलजीत का गाना है. दिलजीत ने गाया अक्षय कुमार की मूवी में. सो थैंक यू जिन्होंने मुझे यूट्यूब लिंक भेजी. थैंक यू. अच्छा दुनिया एक पटाखा. ओके हाँ दुनिया एक पटाखा समथिंग लाइक दैट. नो दुनिया एक हाँ तमाशा सॉरी हाँ तमाशा हाँ समथिंग या सॉरी दोज हु आर अटैच टू द सॉन्ग. ओके शहनाज यहाँ पे ना बहुत मस्ती में डांस करती है. आई थिंक शी इज अ Who isn't a Diljit Dosanjh fan, but वो अच्छा डांस करती है. और उसके हाथ में वो क्रेप बैंडेज है. मुझे लगा इसको कहाँ चोट लगी थी. मुझे या मतलब दुनिया उठ पटांगा. सी सॉरी आई नो दुनिया उठ पटांगा. वो एक्चुअली उसको वो प्रॉब्लम है रिस्ट में. देखो हमेशा वो लास्ट में भी सिद्धार्थ को प्रेस करती रहती है. हाँ वो कैप्टन रूम में भी तो करता है उसको बैठ के तबीयत से. वो वहां पे ओएमजी उसके सर की मालिश कर रही है और ये इसका हाथ दबा रहा है. कितने सारे अनसीन्स थे उसमें. हाँ ओके 8:45 का सीन है. रुचि स्टार्ट काउंटिंग. 8:45 यू नो झमुरी और एमटी उनके कॉर्नर बेड पे सो रहे हैं. देखो हमेशा सोते थे दोनों. इसीलिए मैं नहीं सोती बोलते थे ना. दोनों सोते थे लेकिन झमुरी बहुत ज्यादा सोती थी. ओके तो वो सोती होती है दोनों. और सिद्धार्थ अपने बेड पे सो रहा है साइड में आके. मतलब ही स्लीपिंग फेसिंग आउटसाइड तो ही स्लीपिंग ऑन हिज साइड. और शहनाज आती है बेड पे घुसती है बेड मतलब अंदर जाती है यू नो बेड पे. शी गोज इनसाइड द क्विल्ट एंड शी इज लाइक कृपया आप रजाई में घुस जाएं और घुस के जपी डालें फिर आगे देखते हैं होता है क्या. और वो सोच वो कुछ भी करती है ना इतना क्यूटली करती है. मतलब कौन सोचता है ऐसे कृपया आप रजाई में घुस जाए. मतलब who can think of that. Oh man, only Shehnaz. Okay. तो ये वाला ऐड कर दो रुचि. एंड सिद्धार्थ का जो वो यू नो पोकर पोस्चर होता है ना इट्स अमेजिंग. मतलब उसको हंसी भी आ रही होती है ना तो कितना कंट्रोल करता है. एक तो उसने सीख ही लिया होगा ये यू नो कंट्रोल करना. इसके जो हरकतें होती थी क्यूट वाली. हाँ दैट वाज सुपर क्यूट. और वो धीरे बात करती. उसको पता है ये सो रहा है बंदा या उसको डिस्टर्ब हो जाएगा. ऐसे कुछ कूदती ऐसे कुछ नहीं करती है. वो ऐसे घुस के झप्पी डाले. Anyway, that was so cute. I can't get over it. Okay, अभी किचन में क्राई बेबी रोटी बना रहा है और अच्छा हुआ उसको कमीने को पनिशमेंट मिली. रोटियां बना रहा है सवेरे और पीछे रावण थोड़े आई थिंक बर्तन कर रहा था. थोड़े से ज्यादा नहीं आई थिंक थोड़े कर रहा था. बराबर नौकर बनाया हुआ था घर वालों ने. Dude, जो रात का जो एक तो बहुत तकलीफ हुई मेरे को वो फाइट देखने के लिए और फाइट के नोट्स बनाने के लिए. बट एक चीज तो है राव. एनीवे आई डोंट वांट टू विल टॉक अबाउट दैट व्हेन वी गेट देयर. ओके तो यहाँ पे क्राई बेबी रोटियां बना रहा है. वो पीछे वो अपने बर्तन वर्तन मांज रहा है और मोमो और एम्प्टी वहां पे बैठे. अभी देखो मोमो कैसे सबसे खबर लेती है कि लोगों का क्या सोच है इनको लेकर. लोगों की क्या सोच है इनको लेकर सिद्धार्थ और शहनाज को लेकर. ये वही करती है सबसे लेकर फिर गॉसिप करती है. बिकॉज यू नो बीएफएफ दोनों बहुत एक जैसे हैं. यू नो पीछे से करना सामने से कुछ नहीं करना. सामने से बहुत अच्छा दिखना गुड गर्ल बन के रहना और पीछे फुल आग लगाओ घासलेट लेकर जाओ एवरीथिंग राइट. तो फिर
यू नो मोमो बोलती है ओ शहनाज सच में प्यार में पड़ गई है ऐसे, तो एमटी बोलते हैं हाँ यू नो बहुत बहुत बुरी तरह से, बिकॉज उसको पता, मोमो को पता है कि सिद्धार्थ एंड शहनाज स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ एमटी, तो उसको वहां से भी इंफॉर्मेशन जाननी थी, और वैसे भी उसको देखना था आई थिंक कि क्राई बेबी क्या सोचता है, बिकॉज मोमो को सामने बैठ के आई कांटेक्ट करके भी कुछ समझाओ ना, उस दिमाग उसके मतलब यू नो भेजे के अंदर जाता ही नहीं है कुछ भी, बहुत माठ है बस वो अपने इसमें ही, वो हर्ष भी आता है ना बकवास का बात करती है हर्ष के साथ, बट एनीवे तो वो बोलती है बहुत बहुत दूरी बहुत बुरी तरह से पड़ी है, यू नो बाहर निकलेगी ना उसकी हालत खराब हो जाएगी, तो क्राई बेबी बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसे प्यार रावण से भी करती थी, तो एमटी बोलती है इतना ज्यादा नहीं करती थी, यू नो कम ज्यादा क्या प्यार प्यार होता है, तो बोलता है वो बोलता है फिर वो खुद बोलती है यू नो पहले प्यार था अब नहीं है, तो उसने एक्सेप्ट किया है तो अच्छा है उसने आपको यहाँ पे ऐड करना है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि क्राई बेबी को क्यों लगता है कि शहनाज रावण से प्यार करती थी पहले क्योंकि उसको उस दिन उसने आई लव यू बोल के उल्लू बनाया था ना, इसलिए ऐसा उल्लू बनाया था उसको। पूरे घर में हाँ देखो शहनाज को यही एक पन्ना मिला जाके बोलने के लिए कि ट्रेन टास्क हाँ हाँ ट्रेन टास्क में पूरे घर में, हाँ किसी को नहीं बोल के सिर्फ क्राई बेबी को जाके बोला कि वो मैं उससे प्यार करती हूँ, ताकि क्राई बेबी का फोकस सिद्धार्थ से हटके पारस सॉरी रावण पे आए। और ये जो कॉन्वर्सेशन है ना मोमो की, मुझे है ना ऐसा, मुझे ऐसा लगा कि है ना मोमो सबके दिमाग में है ना एक कीड़ा डाल रही थी कि ये लोग दोनों प्यार में हैं, ये लोग दोनों प्यार में हैं करके, बिकॉज पिछले 3 दिन से वो कंटिन्यूस वो कर रही थी एमटी के साथ बैठकर भी कि ये कैसे, मतलब ये कभी वो सीन भी है, कभी खुश रहती है कभी दुख रहती है, वो जब वो लोग एक दूसरे के पीछे येलो ड्रेस में भागते हैं, हाँ हाँ तो हाँ मोमो का 3-4 दिन से वही एजेंडा था कि सबके दिमाग में वो थॉट डालना कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं करके, ताकि और एक क्या था सब हाँ लोग का फोकस ऑफ अटेंशन वो दोनों होए एंड सब लोग इसको सपोर्ट करे तोड़ने में, और जो सब लोग ने किया जेलस वाले टास्क में। और एक था मोमो, मोमो से कुछ हो नहीं रहा था, कोई भी लड़का उसके पीछे नहीं पड़ा था उसकी हाँ वैसे ही जली पड़ी थी उसको लगता था कि रामलाल शी इज क्वीन विक्टोरिया जिसके पीछे हाँ हर एक लड़का पागल हो। मुझे ऐसा लगता हाँ है ना कि मसला मसला के बहुत सारे गुण मोमो में भी है। उसको लगता है कि बस मैं ही हूँ, मैं ही खूबसूरत हूँ, पूरी दुनिया की हाँ खूबसूरती मेरे पास ही है, और हर एक हाँ लड़का मेरे आगे पीछे घूमना चाहिए। इसके लिए शहनाज उसकी एक दिन बजाती है, बोलता है तू जो ये शक्ल की खा रही है ना खा ले ऐसे कुछ है नहीं तेरे में। हाँ एक है सीन जिसमें वो बोलती है सिर्फ ये शक्ल की खा रही है ना खा ले हाँ वो क्या कहते हैं फोर्थ डे का, मैं कल एक अनसीन देख रही थी, वो बोलती है ना कि यू नो बिग बॉस मुझे यहीं रहना है, बिग बॉस मेरे को नहीं जाना है यहाँ, यू नो मेरे को सिद्धार्थ के साथ रहना है 4 हफ्ते, वो वाले अनसीन में वो 5.5 मिनट का अनसीन है, उसमें एक लाइन बोलती है बिकॉज सिद्धार्थ वहां पे बैठा है, शहनाज उसको लव गुरु बुला रही है, रावण उसके यू नो गुत गुत कर रहा है, मतलब हाँ चोटी बना चोटी रहा है, बना जो रहे भी चोटी बना रहा है ठीक है, तो यहाँ मोमो आके बैठ जाती है, उसको बहुत जिस फीलिंग लेफ्ट आउट, इसलिए होता है तुम लोग इतने फुकरे हो ना ऐसे बोलती है, मतलब शी वांटेड दैट अटेंशन फ्रॉम द मैन, शी गॉट नन, इसलिए उनको रामलाल को भेजना पड़ा फाइनली उसको मिल नहीं रहा शी था वांटेड अटेंशन फ्रॉम सिद्धार्थ। इसके लिए हाँ वो उस कॉन्वर्सेशन में सिद्धार्थ और शहनाज उसको घास भी नहीं डाल रहे थे, और रावण हाँ उनको भी बिजी रखा बजा हुआ रहे था। थे हाँ दोनों रावण की को बजा रहे रावण को भी बिजी रखा चोटियां बनाने में, और ये मैडम है हाँ थी कि बीच बीच में बोले जा रही थी सो दैट उसको सिद्धार्थ का अटेंशन मिले। उसका वही गेम था कि मैं सिद्धार्थ पे फोकस करूंगी,
रावण को बोल रहा था कि तू शहनाज पे फोकस कर, शहनाज पे बट कर। रावण तो है ही येड़ा, उसने शहनाज का छोड़ के मसला पे फोकस किया, तो अब मैडम जी का काम दुगना हो गया ना, कि दो जन पे फोकस करना पड़ रहा तो उतना हाँ दिमाग तो है नहीं, चलेगा नहीं यार, सब लोग ना, तुम लोग वो अनसीन जाके देखो, फोर्थ डे का अनसीन है वो। जैसे रावण को बोलते हैं ना दोनों की लौंडे में दम है, रखते हैं उसके, रखते अच्छा तीन हैं हफ्ते के लिए देखते रखते हैं, देखते बड़ा बड़ी बड़ी वो कोठी है हमारी, रख लेगी कोठी उनकी बिग बॉस का घर है, सब लोगों को रख लिया, सबकी बजाई तबीयत से हफ्ते हफ्ते। सिद्धार्थ को वही, उसको है ना स्टेज से ही समझ में आ गया था कि हाँ ये कुछ है भाई एपिक चीज, इसको जानना हाँ पड़ेगा शहनाज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। इफ एनीवन्स हैविंग अ बैड ईगो, वॉच दैट। वो मतलब वो कैसे हंसता है ना सिद्धार्थ, उसका वो जो नॉटी, जब किसी की बजाता है ना, जब हंसता है वो, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका वो। एनीवे, ओके ओके सॉरी, ओके कम ज्यादा क्या होता है, प्यार प्यार क्या होता है, व्हाटएवर व्हाटएवर। तो फिर तो वो बोलता है हाँ, उसने उसने खुद एक्सेप्ट किया तो ये अच्छा है। तो देखो ये वाले वर्ड्स जो है, बिकॉज चैनल भी मोमो की तरह ही मार्ट, ओके उन्होंने क्या किया, मार्ट या ओवर स्मार्ट पता नहीं, बट कभी कभी मुझे मार्ट लगते हैं वो लोग। नहीं, चैनल को क्या लगा कि देखो दिख तो सबको रहा था कि क्या हो रहा है, बराबर चैनल को लगा कि अगर हम ऐसे प्रेशर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ मुंह खोल के बोलेगा, बराबर तो उस वजह से इवन जो जेलस टास्क भी हुआ ना, वो सिद्धार्थ पे एक तरीके का प्रेशर बना रहे थे वो लोग कि हाँ सिद्धार्थ मुंह खोले, क्योंकि उनको उससे टीआरपी मिलेगी अगर सिद्धार्थ ने पूरे नेशनल टेलीविजन पे बोल दिया तो उस वजह से वो लोग प्रेशर बना रहे थे। शहनाज को मतलब घर वालों की तरह ही था कि शहनाज को टारगेट करो और सिद्धार्थ पे प्रेशर बनाओ, तो सिद्धार्थ कुछ तो बोलेगा उनका, मुझे ऐसा लगा कि वो एक एजेंडा था, बिकॉज सिद्धार्थ की गेम इतनी स्ट्रांग थी ना कि दूर दूर तक कोई था ही नहीं उसके आसपास। एब्सोल्युटली यार, अभी तक लोगों को समझ में नहीं आती है उसकी गेम, वो इतना स्मार्ट बंदा है ना। आई फील लाइक इवन वी, आई मीन मैं देखती हूँ, आई स्पीक फॉर माई सेल्फ, ऐसे लगता है कि उसका क्या है थॉट प्रोसेस, लाइक गॉट अ ब्यूटिफुल माइंड। हाँ, और आई एग्री, आई थिंक चैनल वॉज ऑफ कोर्स आफ्टर टीआरपी, बिकॉज उन्होंने ये पार्ट ही यूज किया क्राई बेबी का, और यही स्क्रिप्ट उन्होंने सलमान को दी। सेम, इसके लिए ओके सलमान खान तो बोलता है कि शी इज इन मैडली इन लव विद यू, तो उस ये सलमान खान के दिमाग में, देखो सलमान खान पिछले कितने 14 वीक से उनके साथ गप्पे मार रहा है, बराबर हर वीकेंड पे कितने तो भी स्क्रीन कितने भी सीन्स भी देखता होगा, तो क्या सलमान खान बेवकूफ है जो उसको दिखाई नहीं दे रहे, सब दिखाई दे रहा है, बट ये या एक था ना तरीका कि तुम टीआरपी लानी है और जितना कमा रहे उसे दो गुना कमाए तो बनाओ प्रेशर या उन... या तो यहाँ मोमो बोलती है ये जनरेशन का मेरे को समझ नहीं आता है, प्यार कभी भी पलटी मारता है, इनका तो प्यार भी फ्लिप मारता है। सो दिस वाज अ नैरेटिव टू द ऑडियंस, यू नो जनरेशन बोल के उसको फिर से एज एज शेमिंग ही हो गई। यंग रहना कोई गलत नहीं है, ओल्ड रहना अरे कोई वो गलत खुद नहीं को है, बुड्ढी एज एज बोल है। रही है, हाँ एग्जैक्टली, नहीं बोलने नहीं, बट खुद को नो बुढ़ी इट्स तो बोल रॉन्ग, रहे। हाँ, इट एंड इट वाज ए नैरेटिव टू द ऑडियंस, टू द चैनल, एंड ये है हमारे स्ट्रॉन्ग वुमन की थिंकिंग, जो जो यू नो जनरेशनल एज शेमिंग कर रही है, मतलब क्या आप यंग हो तो लाइक दिस इज गोइंग एब्सोल्युटली पर्सनल, ओके। हाँ, यहाँ पे तो इन इनका प्यार भी फ्लिप मारता है साला, साले वो फ्लिप की वजह से तू नॉमिनेट हुई है, तू चुप बैठ जा मोमो आंटी, तेरे में ज्यादा कुछ है नहीं। उसने सबकी बजा दी है।
वो नॉमिनेशन में नाइन मोमो के पास एक वर्ड नहीं था बोलने के लिए, ऐसे भूत के कुछ भी जैसे नहीं बैठी थी उधर। था उसको समझ ही नहीं आ रहा था हाँ क्या हो गया कि अब। पूरा शहनाज के मुंह को देख रही थी, चेहरे को देख रही थी कि ये क्या बोल रही है, क्या बोलेगी क्या बोलेगी। शहनाज बोल भी रही थी ना मासी के साथ कि तू 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 फिक्र मत कर, मैं गेम में तेरी माँ हूँ। उसके शक्ल पे कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं था, शी हैड नो क्लू व्हाट द हेल वाज गोइंग ऑन, क्या हुआ, क्या गेम हुई वो। अच्छा मैं एमटी को सेव करती हूँ, अच्छा मैं मासी को सेव करती हूँ, मैं एम शी हैज नो नो आइडिया एब्सोल्युटली। ओके ये था 8:45 का सीन। यहाँ पे एक अनसीन है, क्विकली बात करूंगी। आई थिंक शी इज वेटिंग फॉर सिद्धार्थ इन द बेड। ये रजाई में घुस जाए उससे पहले का सीन है अनसीन। वो बैठी हुई है और क्राई बेबी रोटी बना रहा है, तो वो क्राई बेबी बोलते हैं अरे तेरे बाल देख ले, पीछे बांध ले वरना रोटी में चले जाएंगे। मुझे लगता है इनके रोटियों में बाल जा चुके हैं, बिकॉज ये बहुत बार बात हुई है। बिकॉज जिस तरह से झमुरी अपने बाल बनाती है हाथ से, और उसी हाथ से रोटी, वहीं पे रहते हैं दोनों ना, काटा और झमुरी। एनीवे तो ऐसे कुछ बोलती है, फिर वो बोलती है कहीं तू मेरे से प्यार तो नहीं कर रही, और समथिंग लाइक दैट ऐसे बोलता है वो क्राई बेबी। तो ये बाहर आती है और बाथरूम की तरफ देखती है, बिकॉज आई थिंक ही इज जस्ट ब्रशिंग हिज टीथ एंड व्हाट नॉट। तो वो देखती है और वो क्राई बेबी हंसता है। अच्छा तू डर रही है कि वो आ ना जाए, शी इज लाइक नहीं यार वो सुन लेगा तो। दैट वाज क्यूट। अगर होता तो मैं तेरे से भी प्यार कर लेती, थोड़ा देर हो गया अभी, चल जाने दे, बाहर मर रही होगी लड़कियां तेरे को देख के, थोड़ी सी तू तू दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ा ले। ये सब बोल के ये पंगे ले रही है, कोई गेम वेम नहीं थी, शहनाज पंगे ले रही है यही। बट यही बात मोमो आगे लेके जाती है कि अच्छा क्राई बेबी को बोला मैं तेरे से प्यार करती थी या व्हाटएवर, फिर अभी इसीलिए वो फ्लिप फ्लिप बोलती है कि ये जनरेशन ऐसी है कर गया। और वहां पे रावण ये पूरी बातें सुन रहा देखो अगर उसको है। क्राई बेबी के साथ कनेक्शन बनाना होता ना, तो क्राई बेबी ऐसे एक चुटकी में बना लेता। लेकिन उसको किसी के साथ कनेक्शन वैसा बनाना ही नहीं था, उसने वेरी नहीं था सेकंड डे बोल दिया था एग्जैक्टली जमुनी को ये कि अगर मुझे, अगर मेरा सच्चा हो तो मेरा कनेक्शन बनेगा, ऐसे फालतूगिरी मुझे नहीं करनी। आई थिंक कोई ना को उसने बोला था कि मुझे ऐसे फालतूगिरी नहीं करनी है, अगर मेरे दिल में एक सच्ची फीलिंग हो तो मैं किसी के साथ कनेक्शन बनाऊंगी, अदरवाइज नहीं बनाऊंगी करके। नहीं तो क्या क्राई बेबी जैसा वो बोलते ना, इसको तो ग्लास के थ्रू ही मिल जाए तो भी बस बस हो गया है। तो देखा नहीं क्राई बेबी कितना डेस्परेट था स्टार्टिंग उसको तो शीशे से मिल जाए बहुत में। है। हाँ बहुत है। हाँ सिद्धार्थ लूजेस इट, कितना हंसता है वो, पैर हवे में किक करता है और बहुत हंसता। आई थिंक दैट इज व्हाट सिद्धार्थ वाज टोटली इम्प्रेस्ड विथ हर, कि ये कैसे लोगों को पकड़ती है। वही सिद्धार्थ वही बोल रहा है कि वो है इनोसेंट है, लेकिन हाँ शी नोज कि लोग कैसे होते हैं आसपास के। हाँ या सो ओके। तो ना अभी 9:15 बजे काटा आती है, वो क्वेकर रोट ब्रेकफास्ट का वो पढ़ती है, ठीक है। देखना झमुरी की शक्ल, शी इज मतलब नींद नींद में है वो पूरी तरह से, और फिर बहुत सोती है ये बंदी। एनीवे तो काटा पढ़ती है कि एमडी के एंजॉय साथ ब्रेकफास्ट। कंपटीशन था ना, इसलिए अंडे पे मासी की फील लेके सोती है। हाँ वो भी था। ओ मैन दैट वाज, आपको पता है अंडे पे कौन सोता है? सिद्धार्थ इज फैंटास्टिक। ओके तो काटा, सिद्धार्थ, फिर शहनाज फॉलोज, एंड देन खाना है तो झमुरी आएगी ही आएगी। तो स्टोरेज रूम में आते हैं ब्रेकफास्ट पिक करने, और आई थिंक इट्स ओवरनाइट ओट्स, जिसको यूरोप में आई थिंक म्यूसली बोलते हैं। दैट्स माई फेवरेट, एब्सोल्यूट फेवरेट ब्रेकफास्ट।
तो और वो जैसे यू नो सिद्धार्थ इज रीडिंग द इंग्रेडिएंट्स, इट्स लाइक ओह दैट्स माय ओवरनाइट ओट्स, मतलब वी हैव गॉट चिया सीड्स, आलमंड्स, वी हैव गॉट स्ट्रॉबेरीज, आई एम लाइक यस, एंड मे बी सम मेपल सिरप, दैट्स माय एब्सोल्यूट फेवरेट. ओके, तो सब लोग बोल्स और स्पून्स लाते हैं एंड ओके ठीक है, तो सब लोग खा यहाँ रहे पे हैं. शहनाज बोलती है, जैसे ही बोल देखती है ना, इसमें भी ठोंगे नहीं मत मारने, मर जाना, मतलब अच्छे से खाओ, बोल में ही खाना स्टार्ट मत कर देना तुम लोग, हाँ बिकॉज हाँ शी गेट्स इरिटेटेड विद ऑल दिस पीपल्स ईटिंग हैबिट्स. उसको ये था ना कि हाँ नीट एंड क्लीन खाओ, गंदे तरीके से मत खाओ. हाँ एग्जैक्टली. तो ओके, तो मसला बाहर बोलती है गार्डन एरिया में कि शुरुआत ओट से हुई है, तो दिन कितना अच्छा जाएगा, सोचिए, ऐसे कुछ बोलती है. दिन कितना अच्छा गया, मसला मैन, मसला हेडेक होती है यार उसकी आवाज सुन सुन के, नो जोक डूड, आई एम सीरियस, लाइक लिटरली शी दिमाग, मतलब यू नो मराठी में बोलते हैं ना, डोकेत जाती है, इट्स लाइक यू नो इट्स लाइक मतलब दिमाग में घुसती है दिमाग में वो, घुसती है. ओ माय गॉड. एक थोड़ा टाइम के लिए तो ना हेडफोन्स निकाल के बैठ जाना पड़ता है मैं फिर इसीलिए वापस. कल, हाँ कल वो जब फाइट शुरू हुआ ना, मैं नोट्स लिख रही थी, इसीलिए मैंने वो डे फोर का अनसीन देखा था, बिकॉज आई वो एब्सोल्युटली लूजिंग इट, आई एम लाइक आई नीड टू गो टेक अ वॉक और डू समथिंग, फिर मैंने वो अनसीन देखा, ये दोनों जैसे हंस रहे थे, फिर आई वाज लाइक ओके, फिर थोड़ा रीसेट हो गया. क्या बंदी है यार ये, हाउ डू पीपल टॉलरेट हर, ओह मैन. इसीलिए कर्मा ड्यूड, रावण को सही मिली है वो, मस्त है, सही है. बिग बॉस ने बना दी जोड़ी, सालों साल रहो एक साथ, मस्त और एक रहो, दूसरे को टॉर्चर सहो. हाँ एक दूसरे के साथ रहो, सहो कितना कुछ सहना पड़ता है दोनों जिंदगी अभी भर तक, सहो. जिंदगी भर सहो प्लीज. नहीं, हैट्स ऑफ नहीं, वो क्या कम है, अभी देखेंगे वो कैसे चीखे मारता है, वो तो मुझे बहुत फन लगा था एक्चुअली. ओके, 11:15 ये हो गया, इनका खाना वाना हो गया ठीक है, वो हुआ था 9:15. ओके, अभी दूसरा भी सीन है 11:15, फिर से अनाउंसमेंट हो रही है, सिद्धार्थ शहनाज और वो जो लिविंग रूम का काउच है वो निकाल देते हैं, राइट, निकाल के ऐसे कुछ साइड में पर सीटिंग सीटिंग कुछ रखते हैं वहां पे विद यू नो पिलोज वगैरह, एंड शहनाज कितनी क्यूट अपना यू नो दुपट्टा और यू नो सिर पे बांध के बैठी हुई है वहां पे, मे बी शी वाज कोल्ड और समथिंग, और दोनों एक साथ बैठते हैं, और जैसे बैठते हैं सिद्धार्थ की बैक और शहनाज को ऐसी चिपक के है, मतलब दे वर ऑलवेज टुगेदर, ऑलवेज ऑलवेज, मतलब वही वो शहनाज उसकी क्या बोलते हैं, चार्ज चार्ज होता थी उसकी, उसकी बैटरी चार्ज होती थी उनको वो एक दूसरे का फील बहुत चाहिए होता था हमेशा. चाहिए होता था, लाइक ऐसे घर वाली फीलिंग, वो हाथ पकड़ना या ऐसे, मतलब फिजिकली नॉट जस्ट इमोशनली, एंड आई मीन दैट इन अ वेरी यू नो फैमिली काइंड ऑफ अ वे, ऐसा फीलिंग उसको पता नहीं वो ऑफ रिस्ट पे सेफ. पेन था, बिकॉज ये सीन में भी जब वो बैठती है ना तो वो खुद के हाँ रिस्ट को प्रेस कर रही है, मतलब प्रेस वो कर रही, हाँ. मतलब थोड़ा सा खुद को मसाज जैसा दे रही थी. बहुत और सिद्धार्थ वहां से एक मतलब थोड़ा भी नहीं हिलता है वहां पे. ओके, तो यहाँ काटा अनाउंस करती है, बेसिकली ये टास्क का नाम है क्वेकर ओट्स फ्यूल फॉर द रियल फिट, दो टीम्स हैं, टीम रावण, रावण झमुरी काटा एमटी और मासी, टीम मोमो, मोमो सिद्धार्थ मसला शहनाज और क्राई बेबी. शहनाज यहाँ पे मोमो को देख के हंसती है, शहनाज को उसको अच्छा लगता है जब मोमो और सिद्धार्थ है, उसको अच्छा तो शी इज टू हैव फन. ओके, तो चार यू नो कुकिंग स्टेशन है, हर एक टीम को दो दो डिशेस बनानी है, बेसिकली एक है पालक पराठा, एक है उपमा ओट्स का, सब कुछ ओट्स से ही बनाना है, एक है टोमेटो राइस और फोर्थ है कैरेट खीर, और एक एक यू नो बास्केट में ये सारी इंग्रेडिएंट्स होती हैं एक एक डिश के लिए, और कॉर्न
लाइक कौन सी टीम कौन सी डिश चूज करेगा, उसके लिए चैलेंजेस होंगे. चैलेंज वन है आर्म रेसलिंग. तो सिद्धार्थ बोलता है वो ऐसे आवाज करता है, इज सच अ किड मैन, इज सच अ किड, सो क्यूट. तो जैसे छोटे बच्चे वो होते हैं ना कि कुछ कंपटीशन है और करने चिल्लाना है. मिलेगा. हाँ उसने ना एक इंटरव्यू में बोला था कि उसको पूछा गया था कि आपका सबसे लाइक बेस्ट पार्ट क्या है. ही सेड जब टास्क होते थे, वैसे तो कुछ काम नहीं होता था, जब टास्क होते थे हम मैम मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कुछ यू नो करने को मिल रहा है, बिकॉज द स्पोर्ट्समैन इन हिम ऑलवेज एंजॉयड दैट. उसको देख के आई थिंक ऑफ माई यंगेस्ट चाइल्ड. घर में भी लाइक मेरा छोटा लड़का, घर में भी जब जब यहाँ पे विंटर होता था ना, लाइक बाहर खेलने नहीं मिलता था, वो घर में लिविंग रूम में ही यूज्ड टू जस्ट रन लैप्स, बिकॉज़ वो इतना एक्टिव था. I'm like, why are you running? He's like, I just feel like running. I'm bored. I don't want to sit on the couch. वो ऐसे ही भागता था. उसको देख के मुझे लाइक मेरे छोटे की याद आती है जब वो छोटा था. तो इट्स लाइक वो एंड वो बोलते हैं एमटी और मसला के बीच में आर्म रेसलिंग होगी. तो वहां मसला बोलती है कि ओ मैं हार गई. ओ मैन उसकी आवाज यार, मैं हार गई. और यहाँ पे सिद्धार्थ बनते हैं रेफरी. सिद्धार्थ हंसता है जोर से और जो जो यू नो जीतेगा वो फर्स्ट बास्केट उठाएगा. ठीक है. जब जब ओके फिर सेकंड चैलेंज है स्किपिंग रोप जंप बेसिकली. जो भी पहले रोकेगा वो हारेगा. और फिर इसमें भी सिद्धार्थ संचालक बने हैं. ठीक है. तो ये हो गया. और ये रोप चैलेंज होता है मासी और क्राई बेबी के बीच में. ओके. तो काटा काटा देखो अभी उसकी गेम चालू होती है. उसकी गेम तो पहले से ही चल रही है क्राई बेबी के साथ. तो यहाँ पे बोलती है मुझे और क्राई बेबी को भेजना चाहिए था. तो रावण बोलता है स्किपिंग में या पंजे में. तो मसला बोलती है हक से, ऐसे कुछ बोलती है. ओ मैन आई लाइक वेयर इज द म्यूट बटन ऑन हर माइक. तो शहनाज बोलती है कि मैं कहती पंजा वैसे ही देख ले देख ले तुम दोनों का. तो काटा बोलती है ना. तो शहनाज और सिद्धार्थ ना काटा की तरफ देखते हैं और दोनों स्माइल कर रहे हैं, बिकॉज दोनों को पता है काटा जो बनती है नहीं, ये दोनों को पता है ये क्या कर रही है. और वो स्माइल करके देख रहे हैं काटा की तरफ. ओके. तो यहाँ काटा बोलती है दिखा देंगे, ऐसी क्या बात है. बहुत मतलब बहुत प्यार से बात कर रही है. क्राई भी बोलता है स्टॉप स्टॉप इट, यू नो टेकिंग टेकिंग योर नेम विथ मी मैन, स्टॉप इट. आई एम डन ब्रो, आई एम सीरियस. सन अप प्लीज. हाँ आई आई रिस्पेक्ट यू, स्टॉप डूइंग दैट. वो उसके वो जो रैप टोन में बात करता है. तो शहनाज बोलती है सॉरी. सॉरी बोलती है. तो सेकंड काटा को देखो ओके. कुछ तो चाहिए था कि कुछ तो बड़ा हो उसके साथ ताकि वो दिखे. हाँ, उसको क्राई बेबी के साथ ही करना था, बिकॉज उसको अभी शी कैन नॉट अफोर्ड टू टेक पंगा मेस विद विद सिद्धार्थ. सिद्धार्थ. ठीक है, बिकॉज अगर वो नहीं कर सकती, फिर उसके बाद रावण के साथ नहीं कर सकती. वो एक ही टीम में है, उसको रावण चाहिए था. बिकॉज आते जब वो आई थी तब रावण के साथ ही हुआ था ना कि तू कूगर है, तू ये है वो है, टॉय बॉय है वगैरह वगैरह, वो सब तब हुआ था. मोमो के साथ नहीं कर सकती बिकॉज उसको पता चल गया था मोमो कोई स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है नहीं. मोमो घंटा कुछ करेगी, दही वही के लिए लड़ाई करती है और कुछ नहीं होगा इससे. चाय वाय लेके लड़ती है. शी डिड नॉट वॉन्ट, शी वॉन्टेड टू फाइट विथ क्राई बेबी. मतलब इधर उसके साथ दोस्ती करो या उसके साथ लड़ो, वैसे ही दिखोगे. तो फिर क्राई बेबी बोलता है शी नीड्स टू स्टॉप डूइंग दैट टू. और वो शहनाज की तरफ देख के बोल रहा है.
तो कांटा बोलती है यू डिसाइड फर्स्ट, फर्स्ट यू से 15-20 times ऐसे. तो क्राई बेबी बोलता आई एम नॉट टॉकिंग टू यू शेफाली, रीड योर लेटर एंड एंड वी आर गोना टास्क स्टार्ट एंड द गेट टास्क लॉस्ट. मैम, इनफ इज इनफ प्लीज. हाँ ऐसे बोलता है एंजल, व्हाई यू गेटिंग इरिटेटेड, आई एम कितने प्यार से मैं बोल रही हूँ. तो बोलता है कि आई एम टॉकिंग टू सना, अभी तो तू मेरे से बात कर रहा था. फिर ही सेज, और उनका आगे पीछे होता है. फिर वो उसको बोल रही थी क्राई बेबी को, सॉरी फॉर माय वॉइस, वो क्राई बेबी को बोल रही थी कि इट्स हाई टाइम वी शुड प्ले आइदर टुगेदर और अगेंस्ट, ताकि हम दोनों का गेम अप हो. बट क्राई बेबी को ये चीज नहीं समझ में आई. एंड क्राई बेबी का भी वो एक बड़ा ईगो सा था कि मैं अब इसके साथ तो कभी नहीं खेलूंगा करके. ऐसा नहीं है कि उसने थॉट नहीं दिया होगा, बट उसका ये था ना कि अरे एक बार अभी छोड़ दिया, अब मैं इसके साथ नहीं खेलूंगा, वो चल रहा था उसका. हेलो, सॉरी हाँ सॉरी, मेरा वॉइस मेरा कुछ म्यूट बटन बहुत दब गया. खराब आ रहा है, नहीं, आप चाय पता पी नहीं लो ना, कुछ मेरा गर्म पी लो. आवाज बैठा है. नहीं, मेरा आवाज बैठा हुआ है, हाँ कल बहुत चीखे मारी है हॉल में. बहुत बहुत लाइक पार्टी शार्टी हुई, दैट्स गुड, पार्टी थी यू ना नो दैट्स अ कल गुड मेरे, रीजन. हाँ, हाँ और इतना दैट्स अ लाउड गुड म्यूजिक था रीजन. और बच्चे बाहर ही नहीं आ रहे थे. अरे चलो घर, दे वर बिजी ऑसम. डांसिंग. ओके तो फिर वो बोलती है मैं प्यार से बात कर रही हूँ और समथिंग. तो क्राइबी बोलता है आपके प्यार में भी प्यार नहीं है. तो थोड़ा यू नो दिल खुश हो जाएगा. तो बोलती है अटेंशन कहीं और से ले लो. अटेंशन, आई एम नॉट ट्राइंग फॉर अटेंशन. पता नहीं ये टॉन शहनाज के लिए था ऐसे लगा, बट वो बोलता है कि नहीं ठीक है. और यहाँ पे देखो रावण मसला, दे आर एक्सचेंजिंग लुक्स. और वो सिद्धार्थ की तरफ भी देखती है एक ऐसे कि अभी इसको पोक करते हैं क्या, क्राई बेबी को पोक करते हैं, कुछ फन करते हैं. बिकॉज मसला इज अ बिग 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 बुली. उसको देख के ना ऐसे वो योर टिपिकल क्लीशेड जो जो मूवीज में होते हैं ना, जो कैरेक्टर्स दिखाते हैं, ब्रैट, जो स्पॉइल्ड ब्रैट्स होते हैं, जिनको किसी का भी नहीं, बस खुद का, देव एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड, कंप्लीटली स्पॉइल्ड ब्रैट्स. एंड देन जो लोग आते हैं उनको वो जो रैगिंग करते हैं या यू नो बुलिंग करते हैं, वो वैसी लगती है बंदी. और जो बुलीज होते हैं वो सबसे ज्यादा इनसिक्योर और अंदर से टूटे हुए होते हैं. दैट इज व्हाई दे डू दिस, टू कॉम्पेंसेट देयर इनर यू नो ब्रोकननेस जो भी. सो दे नीड अ लॉट ऑफ हीलिंग. बट एनीवे उसकी हीलिंग हमको क्या, वो हीलिंग वो कर लेगा रावण. तो काटा बोलती है यू नो, काटा अगेन स्टार्ट्स रीडिंग. फिर वो बोलती है स्टेज टू, कोई एक मेहमान आएंगे और यू नो कुक ऑफ चैलेंज का वो जज करने के लिए वो टेस्ट करेंगे और वो डिसाइड करेंगे विनिंग टीम कौन है और उनको कुछ अच्छा कुछ एडवांटेज मिलेगा और समथिंग लाइक दैट. ओके तो ये हुआ था 11:15 को, और 11:30 को सारे टीम्स अपने अपने स्टेशन पे हैं. ठीक है, और एमटी और मसला आर्म रेसलिंग के वो जो स्टेशन होता है वहां पे यू नो खड़े होते हैं और सिद्धार्थ इज स्टैंडिंग देयर. तो मसला बोलते हैं अगर मैंने माहिरा माहिरा नहीं सुना ना तो ये नहीं हो पाएगा और समथिंग. तो मोमो स्टार्ट करती है और एमटी अपनी टीम, उसकी टीम, एमटी की टीम देखना, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता एमटी क्या कर रही है, दे कुड केयर लेस. यू नो झमुरी हैज मासी डिस्ट्रैक्टेड रीडिंग सम स्टूपिड रेसिपी एंड एमटी बोलती है. फिर फाइनली रावण कुछ उसको चीयर करता है, रावण और कांटा चीयर करते हैं. देखना झमुरी का जो इनसिक्योर इनसिक्योरिटी है और
बहुत वो दिखाई देती है इसमें. शी इज वेरी सोशली, शी इज वेरी ऑकवर्ड, एंड उसको किसी और को इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आता है. एंड एंड यू सी दिस थ्रू आउट द डे टुडे. ओके, जमुरी को देखना. और तो सो फिर एमटी की टीम उसके लिए चीयर करती है. एंड तो शहनाज देखना. शहनाज देखो, इतना सब कांड हो गया, बट जब टीम, जब ये लोग टास्क करते हैं ना, दोनों बहुत एथिकली करते हैं, सिद्धार्थ और शहनाज. और शहनाज मन से माहिरा माहिरा ऐसे उसको चीयर कर रही है पूरा टाइम. एंड दैट इज स्पोर्ट्समैनशिप. एंड बोथ ऑफ देम हैव अ लॉट इन इट. लाइक आई हैड अ गर्ल मैन, आई मीन शी इज समथिंग. तो यहाँ वो पे सिद्धार्थ ना दो कितना अच्छा मतलब उनका है, जो सब जब टास्क होता है तो सब चीज साइड में रख के दे जस्ट फोकस ऑन अ टास्क। एग्जैक्टली एग्जैक्टली. आई मीन तो दोनों अपने हाथ को वो करते हैं, होल्ड करते हैं, फिस. और सिद्धार्थ ना दोनों के फिस को लाइक वो कवर करके उसके हाथ से उसको ऐसे टिल्ट करता है. वो मस्ती कर रहा है. तो एमटी बोलती है, दिस इज नॉट फेयर यार. ही इज लाइक, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, आई एम द संचालक. तो मुझे लगा उसको टॉन्ट कर रहा है बास्केट टास्क में, जो एमटी ने रायता फैलाया था, संचालक मैं कुछ भी कर सकती हूँ. ऐसे लगा मेरे को. उसको मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं संचालक हूँ. तो फिर एनीवे वो दे स्टार्ट टू रेसल. एंड सिद्धार्थ फिर से वही करता है ऐसे. क्या बोलते हैं उसको, लाइक मस्ती कर रहा है. फिर एमटी बोलती है, ये फेयर नहीं है, जिता दो ना आप, अपने आप ही जिता दो. तो बोलता है, नहीं ठीक है ओके. वो बोलता है कि ऑन द काउंट ऑफ 3, 1, 2, 3. एंड एमटी डज अ फैंटास्टिक जॉब. एमटी वो करती है एंड शी विंस. तो बोलती है, ये मसला है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड. हो गया, एक सेकेंड कौन में एमटी रेसलिंग जीत मैच में गई. ऐसे बोलता है 1 सेकेंड के? हाँ, बेवकूफ लोगों को वो भी नहीं, मतलब लाइफ में उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। रेसलिंग देखा ही मैच चल नहीं. रही है और हाँ, एक उसमें सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, अरे यार क्या मेकअप चल रहा है या कोई टीवी सीरियल का सीन चल रहा है बीच में ही 1 सेकेंड। जब बेवकूफ एमटी लोगों का. अच्छा था. हाँ उसको एमटी का ही जो मसला ने रोल किया था ना टीवी सीरियल में, वो एमटी ने छोड़ा ना वही रोल मसला ने पिकअप किया था, मुझे अभी कुछ दिन पहले ही पता चल। ओ रियली? हाँ, जो सीरियल कुमकुम भाग्य ऐसा कुछ था उसमें ओके. एमटी थी जो रोल इसका था ना मसला का, बट एमटी ने छोड़ दिया वो रोल एंड उसी रोल पे मसला को लाए थे। इसके लिए भी मसला को हाँ एक खुन्नस थी एमडी के लिए, एंड शी हाँ न्यू न्यू हर लाइक। हाँ आई डिडंट अब नो दैट. दैट्स फिर फनी, दैट्स हाँ एक्चुअली फनी. ओके, अभी सिद्धार्थ ऐसे लुक देता है लाइक ही इज सो डिसअपॉइंटेड इन इन मसला लुक, बिकॉज उससे और क्या. वो तो है डेलिकेट डार्लिंग, वो इतना इरिटेट होता है. ओके. और तो सिद्धार्थ देखो, अभी मैंने ये पूरा वर्ड फॉरवर्ड लिखा है, बिकॉज जब जब सिद्धार्थ हंस के लेता है ना लोगों की, मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो बोलता है, तो यहाँ फिर ये कौन क्राई भी बोलता है, आपने चीटिंग की है, आपने चीटिंग की है, ऐसे कुछ बोलता है एमटी को. तो देखो यहाँ पे क्राई बेबी की टीम से थी एमडी, लेकिन वो सपोर्ट मसला को कर रहा था। देखो एग्जैक्टली. इनके ना टीम मतलब 5 5 मिनट में चेंज होते हैं. खैर, अभी तो वो लोग अलग अलग टीम में थे, बट दिखता है यहाँ पे एमटी और सिद्धार्थ का बैक एंड फोर्थ होता है. ठीक है. तो मैंने चीटिंग नहीं की, मैंने चीटिंग नहीं की, ऐसे ऐसे. ओके. तो अभी सिद्धार्थ क्या करता है, एमटी को बोलता है, हाथ दीजिए अपना. तो यहाँ मसला बेफालतू का फुकट का हंस रही है. हम लाइक, क्यों हंस रही है तू? कुछ कुछ रीजन नहीं था.
उसके मुंह पे क्यों तो सेलो टेप लगाना चाहिए था उस सीन में, कि मुंह बंद करके पॉज रेसलिंग करो। हाँ तो एनीवे तो वो बोलता है हाथ हाथ दीजिए अपना, तो सिद्धार्थ ना दोनों के फोर आर्म्स पकड़े हुए थे, हाथ नहीं पकड़े हुए थे, फोर आर्म्स जैसे रिस्ट के थोड़ा ऊपर पकड़े हुए थे। और अभी तो वो बोलता है कि तो क्योंकि मसला ने बीच में कहा था कि उसका हाथ मुड़ रहा है और दोनों हंस रहे हैं तो कहा था उसका हाथ मुड़ रहा है, लेकिन ये सुनने के बावजूद मधुरिमा तुल्ली नहीं रुकी। उन्होंने अपने व्यक्तित्व को दर्शाया और इस बेसिस पर मसला है यहाँ की क्लियर लूजर। और एमटी का हाथ उठाता है, उसको मसला को लूजर बोलना था और उसने अच्छे से बजाई मसला की, और मसला को लगा ये मतलब ये फन कर रहा है, मस्ती मस्ती कर कर रहा है रहा है, मेरे साथ। ठीक है। हाँ सिद्धार्थ, ओ मैन दैट वाज फैंटास्टिक, दैट वाज सैवेज। हिज विटीनेस, मतलब ओह मैंने मैंने ना बहुत कम लोगों को देखा है विद सो बींग, बहुत विटी है, बहुत विटी, एंड हाँ विटीनेस या विद इंटेलिजेंस इज लाइक ओ माय गॉड, एग्जैक्टली गुड कॉम्बिनेशन। या तो अपना व्यक्तित्व दिखाया, मतलब सेइंग कि एमटी प्लेड अ गुड गेम, एमटी ने अच्छा टास्क किया, दैट इज व्हाट ही वाज सेइंग। तो ये सिद्धार्थ खुद ही हंसता है बिकॉज वो जो मसला की वजह, एंड नो वन गॉट इट, वो हंसता है और वो खुद ही ताली बजाता है, हंसते हंसते बजाई उसने। तो फिर सिद्धार्थ बोलता है एमटी को, अब आप ले सकती हैं कैरेट खीर के अलावा कुछ भी। तो एमटी बोलती है, ये तो मेरी मर्जी है। अच्छा तो ठीक है, आपको आपको अपनी मन मर्जी करनी है तो कीजिए, ले लो कैरेट खीर। उनको कैरेट खीर नहीं चाहिए उनको होती नहीं बिकॉज उनकी चाहिए स्ट्रेटजी ये ऐसे गेम खेलता है सिद्धार्थ, माइंड गेम्स खेलता है, रिवर्स साइकोलॉजी। तो और वो वहां पे मसला को सिग्नल करता है कि जल्दी जल्दी पिक करो करके। ओहो एक सेकेंड एक सेकेंड, नवनीत आई है, उसको वेलकम करो। ओके फिर वो लोग ना टोमेटो राइस पिक करते हैं और वही चाहिए होता है मोमो को। ओके ओके 11:45 सीन सीन कट। हाँ बोलो। ना ना, बोलो बोलो ओके ओके करेक्ट। ओके अभी अभी ना स्किपिंग चैलेंज है और एमटी एमटी बोलती है लेट्स बिगिन द गेम। तो मासी के लिए चीयर करती है और दोनों काटा सॉरी क्राई बेबी और क्राई बेबी और मासी अपने अपने जंप रोप्स लेकर खड़े होते हैं वहां पे। और सिद्धार्थ बोलता है सो एवरीबडी इज चीयरिंग, बोलता है साइलेंस साइलेंस एवरीबडी, बोलता है 1 2 3 और उनका स्टार्ट होता है जंप रोप का वो जैसे टास्क। काटा बोलती है ना कि इतना केओस था, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हो हाँ रहा था फ्रेम था हाँ इसमें, इसके लिए बोलते हैं साइलेंस हाँ साइलेंस, मुझे फोकस साइलेंस। करने दो। तो क्राई बेबी गिव्स अप। ओके और मासी जीतता है। ऑलराइट तो सिद्धार्थ ना दोनों के रिस्ट पकड़ता है लड़कों के और वो बोलता है कि स्किपिंग कंपटीशन में मासी जीते, बहुत सिंपली बोलता है, ज्यादा नहीं कर रहा है। और फिर वो बोलते हैं कि वो बोलता है मासी को, आप अपनी मन चाहे दो में से उठा ले। मसला है एमटी में से जो चाहिए वो मसला उठा है ले। एमटी में से उठा। ओ भाई साहब, मैंने कहा क्या बजाई है यार। फिर वो बोलता है
एक एक बहुत लंबा पॉज देके बोलता है ओट्स की बास्केट, और मासी ऐसे देख रहा है ना सिद्धार्थ को, ही न्यू एग्जैक्टली ये हाँ क्या बोल रहा मासी को भी वो पन समझ में आ गया था, तो इसके लिए वो या बोलता है मुझे ओ लगा मैन क्या बजाई, मतलब ये वो बोल रहा है ड्यूड तू ये दो जो दोनों के साथ कर रहा है ना गुटर गु, सब समझ में आ रहा है दो नाव पे सवार हो रहा है ना। दोनों आप अपनी मन चाही दो में से उठा ले ओट्स की बास्केट, ओ ओनली सिद्धार्थ कैन डू दिस, ओनली सिद्धार्थ। ये मुझे लगा ना ये जो कॉमेडी टास्क आया ना हर्षवर्ष, ये स्क्रिप्टेड कॉमेडी नहीं है यार, ही इज टू गुड फॉर ऑल दिस स्क्रिप्ट। मैंने कहा सिद्धार्थ को और शहनाज को ना स्क्रिप्ट ना दिया करो, उनको छोड़ दो छोड़ वो दो, ऐसे वो ही अपने आप बजाता को है। अच्छा कर लेंगे। हाँ ओके फिर वो उपमा पिक करता है और क्राइम पे भी पालक पराठा का पिक करता है, और सिद्धार्थ ही इज हैप्पी एंड ही सेज वी गॉट व्हाट वी वांटेड, हम हार कर भी जीत गए कुछ होता है ऐसे। ओके अभी ये ना पूरा जो नेक्स्ट सीन है जो वॉश एरिया का, ये पूरा एडिटेड है, ये दिस शुड हैव हैपेंड आफ्टर द विकास खन्ना टास्क। आई डोंट नो इन्होंने यहाँ पे क्यों यू नो प्लग किया, बिकॉज एडिटिंग में देखो यहाँ पे वॉश एरिया में मोमो और झमुरी लगेज एरिया में है, वो लोग रेडी हो गई हैं, यू नो मसला अपनी टॉवल लेके शावर के अंदर जाने के लिए वेट कर रही है बाहर, और एमटी अंदर है, और यू नो मसला बोलती है एमटी को कि दीदी जल्दी करोगी, तो एमटी बोलती है आंटी रुकिए प्लीज, तो यहाँ पे सिद्धार्थ बहुत मतलब सिद्धार्थ ओवर ड्रामेटिक ओवर 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 चंट ड्रामेटिक शुक्ला ओवर चंद शुक्ला बन रहा था, वो आके बोलता है आंटी आपने आंटी किसको बोला, तुली ऐसे मधुरिमा तुली वो नॉक करता है तो आपने किसको आंटी बोला, तो वो अंदर से बोलती है उन्होंने मुझे दीदी बोला तो मैंने आंटी बोला, तो दीदी का आंटी कैसे, दीदी कब बोला उसने तो बोलते उनका उनका फन चल रहा होता है मस्ती, तो एमटी बोलती है खबरदार अगर आप बीच में पड़े तो, मैं बीच में किसी के नहीं हूं, फिर वो ऐसे दे जस्ट बहुत ओवर ड्रामेटिक। तो यहाँ पे सिद्धार्थ सेज जो आपसे सहमत था उसको आपने चप्पल मार उसको दी, तो वो बोलती है मेरी मर्जी, तो फिर तो एमटी बोलती है क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, आप अपना खुद का बिगाड़ रही है तो मुझे यहाँ पे ना ये जो आके वो बाथरूम में आके बात कर रहा है एमटी के साथ, ये एक चैनल को भी बोल रहा था ऑडियंस को भी बोल रहा था, ऐसे मुझे लगा कि जो मसला के साथ ये बाथरूम तक भी गए इनको मनाने, अच्छा था दरवाजा बंद था ऐसे जब बोलता है सलमान, उसको वो अच्छा नहीं लगा कि ये बात उठाई गई, आई थिंक दैट इज व्हाई ही गोज आउट ऑफ हिज वे टू टॉक टू एमटी जब वो अंदर होती है और ये बाहर हो, मतलब यू नो टू रिक्रिएट दैट कि मैं सबके साथ एक ही हूँ, बिकॉज ऐसे क्यों लगा मेरे को एक लाइक पहले पड़ाव में वॉश एरिया में झमुरी 2 दिन बाद शी हैज लाइक अ ट्यूबलाइट रिएक्शन ऑफ अ टास्क, और वो रोती है वहां पे, मुझे खराब लगा मोमो ने ये बोला, आई थिंक हैंड होल्डिंग टास्क के बाद और समथिंग लाइक दैट नहीं, वो यू वाला नो सिद्धार्थ मटका टास्क के नहीं लिए रोती है, क्वीन क्वीन मटका वाला टास्क के, टास्क के हाँ लिए। क्वीन के लिए, हाँ तो 2 दिन बाद तो फिर यू नो सिद्धार्थ आता है वो बोलता है कि तेरा ये टास्क हो गया, अभी अभी रोने में कोई कोई मतलब नहीं है, एंड ही गिव्स हर अ बेनिफिट ऑफ डाउट, और वो साइड हग करता है उसको, ठीक है ऐसे साइड हग, और वो वाइल्ड कार्ड वाले वीकेंड के वार पे एक अनसीन है, और वो OMG और फ्लॉप और ये सब लोगों को बैठ के लिविंग एरिया में ब्रेक के टाइम पे, वीकेंड के वार के ब्रेक के टाइम पे सिद्धार्थ को बोल रही है कि
यू नो सिद्धार्थ भी ऐसे प्यार करता है ना कि हाँ ऐस यू नो वो ना मेरे को प्यार कर रहा था, ऐसे गंदा वर्ड्स यूज करती है वो, वेरी एक्सट्रीमली सजेस्टिव. ओके, और वो बोलती है कि मैं यू नो मैं ना तेरे को दिखाती हूँ. और वो OMG को, आई थिंक शी डज दिस टू OMG, और वो बोलती है साइड से ऐसे ऐसे कि यू नो सर पे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. उसका उसका मतलब आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ ब्लू शी जस्ट सेज ओके यू नो सिद्धार्थ ऐसे ऐसे प्यार दिखाता है. ये हो गया, फिर यू नो बोरी टास्क हुआ. फिर पैचअप वाले दिन, पैचअप वाली रात, जब पैचअप होता है और यू नो खेसारी और रामलाल को वो होता है ना टास्क मिलता है कि यू नो चौकीदारी करनी है. और जब रात में वो लाइक बजर बजता है, नहीं, एक्चुअली उससे पहले, सॉरी, चौकीदारी से पहले जब फ्लॉप को बोलता है, बोलते हैं बिग बॉस कि सब लोग फ्लॉप को चूज करते हैं ना ये चौकीदारी के लिए. अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है, होल्ड ऑन. ट्राई दिस, ओके, लेट्स ट्राई दिस. ओके, मैंने अपना तो वहां पे देखना सिद्धार्थ आके उसको साइड हक करता है फ्लॉप को, यू नो कि इट्स ओके करके. सो दिस इज व्हाट ही डिडंट वांट पीपल टू मिसअंडरस्टैंड कि वो किसी के लिए ये कर रहा है और ये जो नैरेटिव बोल रहे हैं. अच्छा, रुचि पॉज हो गया है. रुचि कंफर्म करना यार, कैन यू हियर? नहीं, नहीं, मुझे वैसे तो तो मैंने सुनाई ये दे रहा कहा. है. ओके, नो साउंड आ रहा है, ऑल गुड. नहीं, ओके, ऑल गुड. तो मुझे ये कनेक्शन लगा बिकॉज सिद्धार्थ को अगर वो सुनता है कहीं पर कि ऐसे हो रहा है, ही विल डू समथिंग टू फिक्स इट. ही वॉज, बट ही एब्सोल्युटली वॉज. ये पूरा हफ्ता MT को ही फुटेज दे रहे थे ताकि वो ना हो जाए, यू नो एविक ना हो जाए. बट एनीवे, मुझे ऐसे लगा, आई कुड बी रॉन्ग, बट आई वॉज जस्ट कनेक्ट. ये क्या हो रहा है, पॉज हो रहा है. अमन क्या करना है, गोला इज स्पिनिंग. मेरा तो ठीक है. मेरा भी ठीक है. ठीक है ठीक है, वो नेटवर्क का हुआ था. सब लोग नेटवर्क पॉज की वजह बोल रहे से, हैं अमन. नेटवर्क हाँ की वजह से. ठीक है अब. ओके, ठीक है. ओके है अब. ओके, नाउ आई कैन हियर. ओके, ऑल राइट. ओके ओके, ऑसम. ओके, ओके. तो वॉश एरिया का सीन ऐसे है कि ये सब हो रहा है इनके बीच में. आप अपना खुद यू नो बिगाड़ रही हैं वगैरह वगैरह. और तो मसला मसला बेसिकली एनीवे, तो MT बोलती है आप तो यू नो पीछे ही पड़ गए. तो आपके बॉयफ्रेंड ने, नहीं, एक्स बॉयफ्रेंड ने डेढ़ की डेढ़ की डेढ़ नहीं 105, नहीं, डेढ़ की जो की TRP टीआरपी. लाई है, डेढ़ की TRP जो लाई है वो आप घटा रही है. ओ माय गॉड, ये बहुत सही सब बजाता उसको है यार, सब याद है. मुझे उस चीज सब का याद है. मजा आता है कि उस हाँ कब कब बोला था, जब शो एक्सटेंड हुआ था तब बोला था कि ये 1.5 की हाँ टीआरपी लाता है. मतलब हाँ सोचो ना, कितने बार होता है ना कि हम बोलते हैं हमको याद नहीं रहता, तो सब याद है. फिर सिद्धार्थ ना जब वो 1.5 की TR, ही इज लिटरली लाइक टैपिंग हिज फुट, मतलब इतना खुश हो गया है वो कि मैंने बजाई इसकी. ही इज अ चाइल्ड, ही इज रियली अ चाइल्ड. मतलब उसको जब वो बजाता है ना,
मासी की, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो यू नो, धोखे से जीती हैं आप, ऐसे बोलता है सिद्धार्थ। एमटी बोलती है मेरी लाइफ ही धोखा है। तो वो बोलता है वो तो दिख ही रहा है, हम सबके सामने ये यू नो सारे ये सारा धोखा आपका। फिर एमटी सडनली अपना यू नो दरवाजा खोलती है, आइए कैसी हैं आप, और वो झुक के उसको ना लगेज एरिया तक फॉलो करता है। तो एमटी बोलती है आप क्या आप मुझे स्पेस देंगे, अच्छा होगा। तो बोलते हैं आपको स्पेस स्पेस चाहिए, इस दिवाली में आपके लिए रॉकेट लेके आऊंगा। और देखो झमुरी वही रेडी हो गई है, लेकिन वहीं पे घूम रही है, ठीक है। उसको वो उसकी इनसिक्योरिटी दिखाई देती है, बहुत बहुत ज्यादा रेसलेस थी, हमेशा ही होती है, बट वो वैसे मंडरा रही है, लिटरली भूत जैसे मंडराते नहीं है, वैसे मंडरा रही थी वहां पे। नहीं, तो लेकिन जब भी फिर सिद्धार्थ है ना किसी और को मतलब थोड़ा सा अटेंशन देता है ना, तो जमुरी की एक इनसिक्योरिटी किक इन हो जाती है कि व्हाट इफ इसने मुझे अपनी प्रायोरिटी में नहीं रखा। तो इसके लिए देखो, हाँ जब वो रिपोर्टर को भी ऐसे ही आगे पीछे घूम हाँ रहा था, तभी भी बोलती है जा बग्गा को मतलब बोल करके, मतलब उसको ऐसा है ना कि तू किसी और लड़की से बात मत कर यहाँ पर। हाउ स्वीट। फिर काटा भी आती है वहां पे, और लाइक मोमो इज ऑलरेडी ऑलरेडी रेडी इन अ ग्रीन ड्रेस, ओके। और यू नो झमुरी भी एक पिंक कुछ ड्रेस में है। फिर वो बोलता है कि बैठ जाना उस पे, यू नो पहुंच जाएंगी आप स्पेस, ओके। और ओके, तो यहाँ 12:15 बजे वापस एवरीबडी इज बैक एट द स्टेशंस। हम देखते हैं यू नो झमुरी इज इन हर नाइट सूट। मैंने कहा 12 बजे तो ये ग्रीन ड्रेस में थी, फिर 12:15 बजे नो मेकअप एंड शीज इन अ नाइट सूट। तो मुझे उस हिसाब से लगा नहीं, बहुत एडिटिंग हुई वो थी। है गड़बड़ है वो सीन का। वो एक्चुअली जब विकास खन्ना जाने के बाद का सीन था, वो बात का बाथरूम। सीन था। हाँ मुझे पता नहीं यहाँ पे क्यों लाया, आई डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ इट ऑल। उन्होंने बहुत ओके, फटाफट तो एडिटिंग की होगी इसके लिए, हाँ देखा घाई घाई में, फाइनल हाँ वर्जन नहीं देखा होगा। देखा होगा। हाँ ओके, तो 12:15 बजे सारे अपने अपने स्टेशंस पे हैं, और यू नो बिग बॉस अनाउंस करते हैं। और जब बिग बॉस अनाउंस करते हैं, ये दोनों हमारे लव बर्ड्स कॉर्नर में, उनके स्टेशन के कॉर्नर में पता नहीं क्या कर रहे हैं। इसका इसका हाथ उसके हाथ में है, सिद्धार्थ का हाथ शहनाज के हाथ में है, शहनाज आधी यू नो झुकी हुई है, और कुछ तो कर रहे थे। कुछ मुझे तो बात कर रहे, कुछ क्या पता नहीं क्या, क्या बोल रहा था वो। इधर टास्क दे वो पढ़ रहे थे या कुछ कर रहे थे पता नहीं। टास्क से जैसे उनको लेना देना नहीं था ये वाला, उनको पता है ये हाँ स्पॉन्सर्ड टास्क है। हाँ वो जैसे बिग बॉस अनाउंस करते हैं ना, ये दोनों एकदम यू नो गुड किड्स की तरह, वो जैसे नहीं बैक बेंच में जो जो बच्चे मस्ती करते हैं, और जैसी टीचर आती है तो एकदम एज इफ नथिंग हैपेंड। ओह माय गॉड, वो अपने बाल बनाती है, फिक्स करती है, और पूरी टमाटर जैसे लाल लाल गाल हो गए थे शहनाज के। मैंने कहा तुम लोग ना यू कैन नॉट कवर ऑल दीज थिंग्स, बट दे मेक अ स्ट्रेट फेस। मतलब पता मुझे नहीं ना क्या कर रहे थे। हाँ ये जो नाइट ड्रेस उसने पहना था ना, बहुत क्यूट सा था। क्यों बना, देखो पूरे घर की लड़कियों ने ऐसे सेट वाले नाइट ड्रेस पहने थे जहाँ पे ऊपर का मैचिंग नीचे का मैचिंग। ये बिल्कुल हमारे जैसा है, कोई भी पुराना टी शर्ट उठा लो, कोई भी लूज वाला ट्रैक पैंट जो ट्रैक्स हम यूज नहीं यूज करते वो पहन लो, वो हमारा नाइट ड्रेस। हाँ मतलब हम हाँ कहीं बाहर जाते हैं एग्जैक्टली तो हाँ वैसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं था उसके नाइट ड्रेस में। जबकि एक हाँ अपनी मेहंदी मैडम जब आई थी उस खुद के सीजन में, तो शी वॉज नोन फॉर ब्रिंगिंग सो मेनी हर नाइट नाइट ड्रेस। ड्रेसेस, हाँ हाँ तो मुझे ये हर उसको क्लेम बहुत टू फेम, क्यूट सा नाइट ड्रेस लगा, ऐसा लगा कि जाके उसके गाल खींच लूं। हाँ एग्जैक्टली वो जो आती है ना वॉशरूम में एक रात पहले, तू क्या कर रहा है यहाँ पे वैसे बोलती है ना, वो क्यूट भी लगती है, लेकिन शेरनी टाइप वाली क्यूट, क्यूट शेरनी है वो। मुझे है ना हाँ वो जो सीन है ना, अब कंबल में घुस जाए जब पी डाल ले, वहां पे ऐसा लगा कि जाके उसके गाल कुछ गुगली गुगली कुछ हाँ कर।
सच अ क्यूट बेबी, शी इज क्यूट 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 चाइल्ड. बहुत. हाँ, तो यहाँ पे बिग बॉस अनाउंस करते हैं और विकास खन्ना को. एंड यहाँ जमुरी ना वहां पे गैस के वहां खड़ी है और बाल को एडजस्ट कर रही है पूरा, मतलब लाइक, और हाथ तो धोए नहीं होंगे बंदी ने, और वहीं पे बालों में हाथ डाल रही है. लाइक डूड, आई जस्ट फेल लाइक थ्रोइंग अप. ओके, तो विकास अंदर आते हैं और यू गाइस, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बढ़िया काम कर रहे हैं, यू गाइस आर अमेजिंग. आप तो बोलता है, आप लोगों के आप लोग, यू नो, दुनिया वेट कर रही है आपका बाहर आने का. और सब लोग हंसते हैं जो जोर जोर से कि ये क्या बोल रहे हैं. एनी वे, देन ही एक्सप्लेन्स अबाउट द कुकिंग कॉम्पिटिशन, ओट्स और उसकी बेनिफिट सब समझाते हैं. और बोलते हैं कि आपको आधा घंटा मिलेगा एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, एंड सिद्धार्थ और शहनाज, दे आर ऑन देयर फीट, दे आर रनिंग अराउंड बिकॉज मोमो और मसाला खाना बना रहे हैं और ये तीनों हेल्पर्स हैं. ठीक है, और देखो मोमो, यू नो, सिद्धार्थ को चॉपिंग की ड्यूटी देती है कि छोटा छोटा काट, छोटा छोटा काट. तो मासी आता है, सॉरी, विकास खन्ना कम्स टू मोमो स्टेबल और वो आके ना कढ़ाई क्लीन करता है. तो यहाँ मोमो बोलती है थैंक्स शेफ. तो फिर वो रावण की वहां जाता है, रावण के टेबल के पास. बोलता है ऐसे कुछ, ही सेज समथिंग अबाउट हाउ टू चॉप एंड ऑल दैट, टू काटा. ओके, तो विकास बोलता है कि यू नो, मुझे लग रहा है कि यू नो, बच्चों के स्कूल, यू नो, बच्चों का कुकिंग स्कूल है जहाँ पे 80% ऑफ द किड्स, यू नो, डोंट नो कि क्या हो रहा है यहाँ पे. वो हंसता है, ही इज जस्ट ओवरवेल्म्ड कि ये लोग कर क्या रहे हैं. ओके, 12:30 बजे का सीन है ये. सिद्धार्थ इज बीइंग एन ऑसम ऑसम असिस्टेंट. तो विकास बोलता है कि अगर अगर बातों से रोटियां बनती हैं तो मैं लंगर लगवाता यहाँ पे. तो शहनाज बोलती है सही बात है. तो बोलता है कि ओके, आधा समय हो चुका है, प्लीज जल्दी कीजिए. तो यहाँ काटा और एमटी की आर्ग्यूमेंट होती है. देखो यहाँ पे काटा इज सच अ, शी कैन नॉट लेट गो, बहुत ईगो, सब लोगों में बहुत ईगो था ये वाले सीजन में, एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल ईगोज. और एमटी बोलती है कि यू नो, चिढ़िए मत इतना ज्यादा. तो काटा बोलती है मैं चढ़ी नहीं हूँ, मैं आपके रिएक्शंस पे चिढ़ती हूँ. मैंने कहा है, व्हाट डज दैट मीन, कुछ भी मैं बोल आपके देती चढ़ी हो. नहीं हूँ, कुछ भी, मतलब मैं आप पे चढ़ी नहीं हूँ, मैं आपके रिएक्शंस पे चिढ़ती हूँ. लाइक यू मेक नो सेंस. तो यहाँ लाइक विकास आके मसला की फिलिंग को अप्रिशिएट करता है और वो, यू नो, दे स्टार्ट टू प्लेट देयर फूड. और वो, यू नो, पराठे लगाते हैं प्लेट पे. तो शहनाज बोलती है हाय, इतने पराठे क्या करने हैं हमें. तो वहां विकास हंसता है और ऐसे बैंड करके हंसना, इज लाइक मैं कहाँ आ गया हूँ. तो शहनाज वहां पे हंस के बोलती है क्या हुआ. वो बोलता है कि जब मैं खाना किसी को सिखाता हूँ खाना बनाने, तो मैं, यू नो, गुस्सा हो जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं कर पा रहा हूँ गुस्सा. तो यू नो, सिद्धार्थ बोलता है कि यू नो, पेशेंस का गेम है ये पूरा. तो यहाँ पे बजर बजता है. तो यहाँ 12:45 का सीन है. विकास खन्ना, मोमो और रावण वहां पे, यू नो, खड़े हैं जहाँ पे विकास की वो टेबल होती है. और मोमो अपना एक्सप्लेन करती है उपमा और, यू नो, पराठे में क्या लगा है वगैरह. और रावण खीर और उपमा, सॉरी, मोमो टोमेटो राइस और पराठा एक्सप्लेन करती है. रावण खीर और उपमा करता है. और जब खीर करता है कि शुगर कम है, नट्स है, बहुत हेल्दी है, ऐसे एक सेकेंड. ओके, तो यू नो, सिद्धार्थ वहां पे बोलता है क्योंकि उसमें शुगर कम है, हमारे में नमक ज्यादा है, यू नो, मिक्स करके, यू नो, करके खा ले. खा सकते हैं. हाँ, बिकॉज
उनके पराठे में नमक ज्यादा हुआ था, वो हम आगे जाके सुनते हैं। तो रावण बोलता है, तुम्हारे बारे में मेरी टीम नहीं बोली, मेरे बारे में तुम लोग क्यों बोल रहे हो, ऐसे चिल्लाता है। तो कैन यू वेट फॉर अ मिनट प्लीज। तो फिर शहनाज बोलती है, हाँ, नहीं, हमारा कोई भी बोलो अच्छा होता है। तो रावण बोलता है, रोलो रोलो, पहले रोलो रोलो। तो सिद्धार्थ ना, वहां पे ऑलरेडी खाना चालू किया है वो विकास खाना, अभी ही हैजंट इवन ट्राइड, ही स्टार्टेड ईटिंग। ओके, हाँ हरदीप, एक्चुअली सैल ने वो आर्टिकल शेयर किया था ट्विटर पे, देख लेना, जहाँ पे ही टॉक्स अबाउट, विकास टॉक्स अबाउट हिज एक्सपीरियंस इनसाइड द हाउस, और वो सिर्फ सिद्धार्थ और शहनाज के बारे में ही बात करता है, और बहुत अच्छा बोलता है दोनों के लिए। ओके, विकास खाता है और दोनों की लाइक डिशेस, वो चारों डिशेस एक एक करके ट्राई करता है, और सिद्धार्थ इज एक्चुअली ईटिंग लाइक अ किड, वो वहां बैठ के ना ही इज एंजॉयिंग द पराठा। तो यहाँ जैसे विकास इज टेस्टिंग ना खाना, यहाँ सिद्धार्थ बोलता है, सर आप एक्टिंग एक्टिंग भी करना जानते हैं। तो वो बोलता है नहीं, विकास बोलता है नहीं सर, क्योंकि आप जब खाके एक्सप्रेशन नहीं दिया ना, वो एक कला है। मैंने कहा इसने विकास को भी नहीं छोड़ा। तो बिकॉज मोमो का खाना था ना, वो छोड़ेगा नहीं वो मोमो को पराठा। तो और जब वो बोलता है ना, वहां जाके ना वो शहनाज का शोल्डर पकड़ता है, ठीक है, होल्ड, मतलब ही हग्स हर ऑन हर शोल्डर। तो यहाँ मोमो उसको मारने आती है, सर आप एक्टर भी बन सकते हैं। तो शहनाज बोलती है, चुप कर चुप कर। तो फिर रावण का खाना खाता है वो विकास। ओके, तो वो बोलता है अभी, विकास अपनी वर्डिक सुना रहा है, तो बोलता है कि आई डोंट नो ये कैसे हुआ, जो टीम बहुत सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज थी, पता नहीं एक टीम के साथ पता नहीं क्या, खुदा था, इतने इतने डिसऑर्गेनाइज्ड होने के बावजूद वो जीत गए। और जैसे बोलता है कि ये जो टीम डिसऑर्गेनाइज थी, वहीं पे सिद्धार्थ के ऊपर कैमरा जाता है, वो ऐसे ऐसे करता है लाइक ही नोज कि उनकी टीम बहुत बहुत केओटिक था उनका। और तो वहां पे ही ऑलरेडी नोज एंड और मसला भी ऐसे करती है कि ओ इज इट अस। एंड और यहाँ पे जब विकास ये सब बोल रहा है, एंड ही हैज नॉट अनाउंस्ड हु इट इज, यहाँ शहनाज अपना वो सिग्नेचर डांस होता है ना, एक हाथ उसका राइट हैंड ऊपर और लेफ्ट हैंड नीचे, वो उल्लू बनाया, बड़ा हाँ मजा आया वो वाला, उस पे डांस करती है उसका क्यों। तो बोलती है, इधर आ जाओ आ जाओ, इधर इधर आ जाओ, ऐसे बोलती है विकास को। तो वो विकास मोमो को बोलता है, आपकी टीम बहुत ही इनडिसिप्लिन्ड है, बट पता नहीं क्यों आप जीत गई। तो सब लोग जंप करते हैं ओके हवे में, और क्राई बेबी आके सिद्धार्थ को हक करता है। ओ मैन, तब सोशल मीडिया पे एवरीबडी वाज सो हैप्पी कि कैन दे कम बैक टुगेदर, कैन दे बी इन द सेम टीम अगेन। बहुत लाइक सोशल मीडिया पे दिस वाज वेरी वेल रिसीव्ड, दैट इफ दे कुड प्ले टुगेदर ऑन द सेम टीम, क्राई बेबी एंड एंड सिद्धार्थ। ओके, तो यहाँ पे वो आता है हक करने, और हाँ उसका हुक स्टेप ही है ये, शहनाज का क्यूट क्यूट बेबी शहनाज का, वो जब एग्जैक्टली वो जो स्नेहा जैसे बता रही थी ना, उसका वो टी शर्ट, उसका वो ट्रैक पैंट्स, और वो डांस करिए, जैसे घर में नहीं होता, घर का माहौल, मतलब इनका घर का ही था ऐसे फील। तो या सोशल मीडिया पे पीपल रियली वर होपफुल कि मे बी देर इज समथिंग, बिकॉज सिद्धार्थ भी उतने ही हैप्पी, ही सो हैप्पी, उसको ही हग्स हिम बैक, एंड जिस तरह से क्राई बेबी आके इट एवरीबडी वाज रिमाइंडेड ऑफ द फर्स्ट पड़ाव। तो
कि जैसे ये लोग फन करते थे, बिकॉज तब क्राई बेबी बहुत पॉजिटिव लगता था, राइट, उसके इनके साथ रहकर. ओके, तो ठीक है. तो फिर यहाँ ना शहनाज जाती है, जैसे अभी यू नो क्राई बेबी सिद्धार्थ के पास आता है हक करने, और शहनाज और मोमो आगे जाते हैं और हैंड शेक करने के लिए विकास का. और ऐसे हाथ आगे बढ़ाती है शहनाज वो करने के लिए. हाँ, और देखना, एक सेकेंड में, दो नहीं, दो तीन पांच सेकेंड में सिद्धार्थ पता नहीं कहाँ से आता है और शहनाज को ना माइक से पीछे करके खुद जाके हाथ शेक करता है. मतलब मैंने कहा सिद्धार्थ यार, वो सिर्फ हैंड शेक कर रही है, इतना पोजेसिव है सिद्धार्थ. आई एम लाइक डूड. और फिर वहां जाके मसला हैंडशेक करती है. मतलब सिद्धार्थ को नहीं था कि ये जाके क्यों वो हैंडशेक कर रही है, और वो लिटरली, आप लोग जाके देखना, वो पीछे करता है उसको. एंड दैट वाज लाइक ओ माय गॉड, लाइक क्या शहनाज ने बोल दिया अजय देवगन और काजोल के सामने, मैं चाहती हूँ ये यू नो पोजेसिव हो. ये पोजेसिव ही नहीं है, हो गया. अभी सिद्धार्थ ने उसको नेक्स्ट लेवल ले जाना है और उसको लिटरली खींचा. दैट वाज द क्यूटेस्ट क्यूटेस्ट. थैंक यू रुचि. ओके, तो यहाँ मासी सॉरी विकास बोलता है कि मैंने विनिंग टीम के लिए कुछ कुछ पकाया, खाना पकाया है, और यू नो मिशेलिन स्टाइल में. तो सिद्धार्थ और क्राई बेबी अंदर जाते हैं, तो वहां पे वो लोग बात करते हैं कि नमक ज्यादा हुआ था पराठे में. तो क्राई बेबी केक भी लेकर आता है बाहर, और वो सारे प्लेट्स ऐसे अरेंज करते हैं. एंड यू नो सिद्धार्थ बोलता है ये इतना अच्छा लग रहा है, इट्स लुकिंग सो यू नो ब्यूटीफुल, इसका खाने का मन नहीं कर रहा है. तो विकास ना सब खाने का एक्सप्लेन कर रहा है कि रुलाद है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, और कुछ वो यू नो कश्मीर का कुछ एक यूज करता है. हाँ, वो हमारे कश्मीर का ऐसे बोलती है मसला. एनीवे, तो और वो केक के बारे में भी बोलता है विकास. सब हो गया. तो फिर जब केक के पास जाते हैं ना, देखो शहनाज इज द वन हु स्टार्ट सिंगिंग बिग बॉस बिग बॉस बिग, नोबडी, सब भुक्कड़ केक की तरह देख, केक की तरफ देख रहे हैं. ये गाना चालू करती है शहनाज, और फिर सब लोग ज्वाइन करते हैं, बिग बॉस का गाना गाते हैं. ओके, क्योंकि फिर उसको जैसे केक ही में इंटरेस्ट ही नहीं था उसने हाँ पहले ही बोला था कि मुझे केक नहीं पसंद है। केक नहीं पसंद है. तो अभी यहाँ पे विकास जाता है, जैसे ही विकास गोज सब बाय बोलते हैं, झमुरी इज ऑन द एज ऑफ दैट ग्रुप, टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ दैट ग्रुप. और क्या भागती हूँ, उसको भागने भी नहीं, शी इज एब्सोल्युटली नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन, और उसको भागने नहीं हो रहा है, लेकिन उसको भागना है जाके केक खाना है. भुक्कड़ पहले भागती है वो, और फिर सब लोग खाते हैं. एंड मतलब सब भुक्कड़ थे, लेकिन झमुरी को देखकर आई वाज एम्बैरेस्ड, लाइक ओके. एनीवे, अभी 1:30 बजे ये यू नो बेडरूम बेडरूम में है, और ब्लाइंड्स लगे हुए हैं उनके बेडरूम के, ब्लाइंड्स लगे हुए हैं बिकॉज आई थिंक दे वर क्लियरिंग आउट द किचन, यू नो द काउंटर्स, फिर उनको डाइनिंग टेबल लाना होता है. तो आई थिंक वहां पे काफी टाइम था वो लोग अंदर थे. तो देखना, इसीलिए आई फील लाइक ये जो वॉश एरिया का जो नहाने वाला जो सीन था, वो ये इसके बाद हुआ था, बिकॉज यहाँ पर मोमो इज ऑल्सो इन हर नाइट सूट, इन हर पीजेस. ओके, 1:30 बजे का यू नो बेडरूम में एम्प्टी, और मोमो उसके बेड पे हैं, सिद्धार्थ और शहनाज उनके खुद के बेड पे हैं और बैठे हुए हैं. एंड मासी अंडे पे सोया हुआ है, ब्लाइंड से मतलब सारे ही अंदर ही है, बेडरूम में ही है. तो सिद्धार्थ एम्प्टी की बजा रहा है, एम्प्टी की नहीं सबकी बजा रहा है यहाँ पे. एम्प्टी आपका माइंड कहाँ है? तो बोलती है मेरा माइंड आप आपके घुटनों में है. तो बोलता है मेरे घुटनों में आपका माइंड है? तो बोलती है हाँ, इसीलिए मैं आपकी टांग खींचने में मुझे मजा आता है. तो सिद्धार्थ बोलता है काश यही जादू आपका दूसरों पे चलता, तो आपका आपको इतना सुनना नहीं पड़ता. मतलब काश आप मासी की टांग खींचती, आपको इतना नहीं सुनना पड़ता. तो एमटी बोलती है कोई बात नहीं, यू नो सुनने की भी आदत डालनी चाहिए. तो हाँ, बात तो सही है. यू नो व्हाट स्वीट हार्ट,
डू यू थिंक यू आर अ गुड गर्ल? तो यहाँ पे ना शहनाज को दिखाते हैं, मतलब इट्स अ वाइड एंगल. शहनाज ने अपना सर ना दुपट्टे में पूरा कवर कर लिया. पता नहीं शी वाज मे बी फीलिंग कोल्ड या शी वाज कोल्ड कमिंग हो डाउन विद रहा समथिंग. हाँ, इट फेल लाइक शी वाज कमिंग डाउन विद समथिंग. तो ऐसी, हाँ, और उसका हाथ भी वो रैप था ना. तो यू नो व्हाट सी डैड, डू यू थिंक यू आर अ गुड गर्ल? शी इज लाइक नो, आई एम अ बैड गर्ल एंड अ गुड गर्ल. सो वहां बोलता है, सो बेबी यू यू रियली वांट टू बी अ गुड गर्ल, गेट योरसेल्फ बैड बॉय. और वो खुद की तरफ टर्न करता है, उंगली करता है, ठीक है? बिकॉज भाई साहब, हमारे शेरनी ने बोला था गुड फ्रेंड या बैड बॉयफ्रेंड, तो उसने बोला बैड बॉयफ्रेंड. वो पिंक 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 ड्रेस में जो वाले अंडे पे ड्रेस इनका जो इंटरव्यू हो रहा था, तो वहां पे शेरनी ने बोला था, तो वहां पे बोल रहा है कि आई एम अ बैड बॉय. मुझे वो याद आ गया. तो फिर देन ही सेज, इट इज माइंड ओवर मैटर, एंड इफ यू डोंट हैव अ माइंड इट रियली डजेंट मैटर. और यहाँ पे काटा स्टार्ट्स टू रिपीट द लास्ट पार्ट, इट बिकॉज इफ यू डोंट हैव अ माइंड इट रियली डजेंट मैटर. तो उससे पता चलता है कि काटा की कान काटा के कान काटा का ध्यान पूरा सिद्धार्थ के ऊपर है. ओके और वो क्या कर रहा है, एंड शी लिटरली इज हैज हर फोकस आईज एंड ईयर्स ऑन व्हाट ही इज डूइंग. कवल जी, बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. हमारे लिए भी दुआ मांगना मत्था टेकते समय. आई नो यू ठीक विल. थैंक यू, थैंक यू. ओके फिर एमटी बोलती है, इट्स ओके इट्स ओके, आई डोंट हैव अ माइंड. या यू नो वेर वेर योर माइंड इज ऑन माय नी, यू नो यू जस्ट सेड दैट. तो बोलती है, हाँ, यू नो यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट. तो शी इज लाइक, सच्ची? नहीं, ऐसे होते हैं. तो यहाँ सब लोग हंसते हैं, मासी, मसला, काटा. उनको लग रहा है कि ये एमटी की बजा रहा है. दे हैव नो आइडिया, नो आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन. ओके मुझे एंड ऐसा लगा ना कि वो कंफ्यूज कर रहा था सबको, एमटी को फुटेज देके वो सबको अपनी गेम से कंफ्यूज कर रहा था, क्योंकि एब्सोल्युटली. सब लोग, मैंने जैसे कहा ना कि सब ध्यान लगा के देख रहे थे कि व्हाट विल बी सिद्धार्थ नेक्स्ट मूव, तो अपनी गेम को है ना मतलब कवर अप करने के लिए ये एमटी के साथ जो टाइम पास कर रहा था ना, ताकि सबका ध्यान इस पे जाए कि ही इज गिविंग फुटेज टू एमटी एंड उसकी रियल गेम के ऊपर किसी का ध्यान ना जाए। हाँ, डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स तो करनी पड़ती हैं. एब्सोल्युटली, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट. तो और यहाँ जब ये बोलता है ना, सच्ची? नहीं, ऐसे बोलता है ना, तो शहनाज का एक्सप्रेशन देखना, वो कितने प्यार से देखती है सिद्धार्थ की तरफ. ओह माय गॉड, द लव शी हैज फॉर दिस मैन, इट्स इनक्रेडिबल. तो फिर वो उठता है वहां से. तो बोलती है, आप कहीं जा रहे थे? तो बोलती है, तो वो बोलता है, मेरी नजरें आपसे हटे, मेरी चाहत है ये, माय विश. तो मैं, मेरी भी तो चाहत है ना, मुझे भी चाहने दीजिए ना. तो वो बोलता है, तो वो बोलती है, एमटी बोलती है कि थोड़ा आप करीब आएंगे, थोड़ा मैं करीब आऊंगी. तो सिद्धार्थ बोलता है, करीबी माई कॉज समवन सम गरीबी. वो मासी को टॉन्ट कर रहा है. हाँ, ऐसे बोलता है. और फिर यहाँ पे कैमरा मासी के ऊपर जाता है. एमटी बोलती है, मैं फिलहाल खुश रहना चाहती हूँ, मुझे खुश रहने दीजिए, परेशान मत कीजिए. तो कहता है, श्योर, हाँ. और वो एमटी की तरफ आता है, एक फनी चाल में ऐसे आता है, और वो एमटी के क्विल्ट के अंदर झांक के देखता है, मतलब उसकी उसकी शक्ल देखता है. और यहाँ रावण और सब हंसते हैं जोर से. ओके एमटी बोलती है, हाउ डेस्परेट मैन. तो एंड देन वो फिर वापस जाता है वहां के बाथरूम के तरफ. वो बोलती है कि आई नो यू लव मी, यू नीड मी, जस्ट जस्ट लेट मी बी मैन. तो वो बोलता है, मधु, आप कुछ कह रही थी? और हंसता है.
वो बोलती है मेरा हो गया। तो ओके, तो 4:30 बजे सब लोग लिविंग रूम में है। अभी देखो झमुरी इज बैक इन दैट ड्रेस जो वो 12 बजे वाले सीन में, जो वॉश एरिया का सीन था ना, वहां पे वहां पे वो पिंक वाले ड्रेस में होती है। ओके, अब बट एवरीबडी इज ऑल यू नो ड्रेस्ड, और शहनाज इज इन अ हाई पोनी, एंकल बूट्स, शी इज लुकिंग स्टनिंग। ओके, लेकिन थोड़ी सीरियस लगती है। यहाँ पे ये वाले सी, अभी इसके बाद का जो सीन है बहुत एडिट किया है, बहुत कट 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 करके किया है, बिकॉज देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन और हमको कॉन्टेक्स्ट नहीं होता कभी कभी सर पैर का। ओके, एनीवे, तो यू नो बिग बॉस कॉमेडी टास्क का अनाउंस करते हैं, बेसिकली बोलते हैं कि आपको बहुत कुछ बोलना होता है दूसरों के बारे में, तो आपकी जो कड़वी बातें हैं एक नए अंदाज में बोलेंगे, हास्य और व्यंग मतलब कॉमेडी होगा। एंड 2 दिन के लिए होगा ये टास्क। पहले दिन मोमो, मासी, एमटी, सिद्धार्थ और झमुरी परफॉर्म करेंगे, और दूसरे दिन रावण, मसला, शहनाज, काटा और क्राई बेबी। और वो हर्ष को वेलकम करते हैं जो लाइक भारती का हस्बैंड है। और बेसिकली हर्ष कोच करते हैं Day 1 के लोगों को, और हर्ष जब आता है अंदर वो बोलता है कि ये टास्क कैप्टनसी से भी ज्यादा बढ़कर है। ओके, और तो आई फेल्ट लाइक ओके, इनको लग रहा था कि ये अभी नॉमिनेशन से बचने का कुछ होगा, उनको मौका मिलेगा और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज जिस तरह से लोग एक्ट कर रहे हैं, स्पेशली झमुरी, आप देख सकते हैं कि कितनी डेस्परेट थी वो सेव होने के लिए। और यू नो जिस तरह से सिद्धार्थ वो स्पेंडिंग टाइम विद एमटी, शी वाज फीलिंग एक्सट्रीमली इनसिक्योर बिकॉज बाकी सब वो थे, यू नो बाकी सबके कनेक्शंस थे, राइट? तो हाँ, शहना सीरियस थी, पता नहीं क्यों थी, मैंने अनसीन्स देखने की कोशिश की, लाइक ढूंढने की कोशिश की। एक अनसीन होता है इससे पहले जब तैयार हो रहे हैं सब लोग, तब वो जहां मेकअप पर के ऊपर बात करती है, और नहीं वो तब वो क्राई बेबी मेकअप बोलता है नहीं, उसको हाई पोनी बनाने के लिए वो ड्रेस नहीं के वो वाला ऊपर। अंस, नहीं वो वाला अंसी नहीं, मैं दूसरे अंसीन की बात कर रही हूँ, बट वो वाला क्या था अंसीन, मुझे वो नहीं पता। उसमें है ना वो सोच रही है कि इसमें क्या है, हेयर क्या करूं, तो क्राई बेबी तब सजेस्ट करता है कि इस पे हाई पोनी अच्छी दिखेगी, हाई पोनी लगा ले। एंड देन फिर वो अच्छा शूज अपने रेगुलर शूज पहनती है, तब झमुरी माँ बन के बोलती है इस पे है ना वो बूट्स वाले शूज अच्छे लगेंगे, तो बिकॉज वो अपना रेगुलर सैंडल पता है ना उसके पास बहुत लिमिटेड फुटवेयर थे उस घर में, तो वो एक ब्लैक सैंडल्स थे और एक वो एक जूती थी उसके पास, तो वो ब्लैक सैंडल पहन के घूम रही थी, तब झमुरी ने बोला कि इस पे शूज पहन ले करके। ओके ओके, कोई बोल रहा है कि शहनाज जस्ट गॉट पैप्ड एट द मुंबई एयरपोर्ट, कहाँ पे देखा आपने? प्लीज बताएं, बिकॉज आई डोंट माइंड वेटिंग फॉर अ मिनट टू सी हर। वीरल के पेज पे है मुझे बोल रही, देखती हूँ। वीरल, मैं भी देख रही हूँ, एक मिनट, सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन गाइस। या कैसे वहां डाल रही है अमन, आप अनम्यूटेड हो। या सहना जा रही है कहीं पे, और उससे पूछा गया कि कहाँ जा रही है, तो उसने कहा कि मैं नहीं बताऊंगी। ओके ओके ओके, ये मेरे को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन। YouTube चैनल पे है वीरल बियानी के। ओके ओके, यूट्यूब पे है। ओके ओके ओके, एक मिनट एक मिनट, सॉरी गाइस, यार बहुत दिन हो गया इसको देखे हुए ऐसे, यू नो वीरल, वीरल भयानी, होल्ड ऑन गाइस, सॉरी सॉरी। ओह या, ओके ओके कैसे हो आप?
ठीक हो रहे हो ना धीरे धीरे आप ठीक बिल्कुल ठीक हो अच्छा अब मैं ठीक हूँ कहाँ जा रहे हैं आप अच्छा ठीक है ठीक ओके बाय She's wearing white shirt, jeans, and boots. Oh my god! Classic. And look oh my god! And her Hermes belt. Oh my god! मैं नहीं बताऊंगी हाउ स्वीट इज शी ओह माय गॉड थैंक यू गाइस वीरल के यूट्यूब चैनल पे है या देख लो जाके सो स्वीट या उसको दे अच्छा लगता है यूट्यूब वीरल्स यूट्यूब आज अच्छा जाएगा दिन आज देख लिया शहनाज को फंडे वाला ट्वीट भी देख लिया फंडे हाँ बहुत इनोसेंट है यार बहुत मैं नहीं बताऊंगी मैं नहीं बताऊंगी ओह माय गॉड सच अ क्यूट क्यूट चाइल्ड ओके ओके यहाँ पे हाँ वो अनसीन था जो मैं अनसीन बोल रही हूँ वो या रुचि एक्चुअली सिद्धार्थ हैज अ अर्मेज बेल्ट अलोंग विद हिज फेरागामो बेल्ट ही हैज अ अर्मेज बेल्ट सो आई फील लाइक अरे शी इज नॉट अलोन शी इज नेवर अलोन शी इज नेवर शॉर्ट विद इट विथ हर टीम और विथ अगर उसके साथ कोई फैमिली मेंबर भी जा रहा है ना दे गो इन अ नॉन सेलिब्रिटी बिकॉज उनका एक वो होता है नहीं वो लोग एक्सपोज नहीं होंगे अगर फैमिली भी जाती है ना और उसके साथ जाते हैं कभी कभी मैंने सुना है उसके फैमिली मेंबर्स मतलब सिद्धार्थ के फैमिली मेंबर्स जा चुके हैं इससे पहले भी ऐसे सुना है आई डोंट नो तो आई फील लाइक अगर होगा भी कैन होगा अंदर या कुछ होगा तो डेफिनेटली या आज दिन Because अच्छा Ken ने जाएगा भी हमारा एक पोस्ट डाली थी आज सुबह हाँ अच्छा ओके हाँ तो ओके ओके उसने मतलब एयरपोर्ट की नहीं डाली थी बट सम शूट की पोस्ट मैंने इतना ध्यान से नहीं देखा बट यार सुबह जब हाँ मैं उठी तब था कुछ तो पोस्ट हाँ तो आई विश हर सेफ ट्रेवल्स टू शहनाज जहां पर भी है वो पहुंच भी गई होंगी अभी इंडिया में तो रात हो गई है ये दोपहर का मतलब ये दिन का था सो सेफ ट्रेवल सेफ ट्रिप सक्सेसफुल ट्रिप हैप्पी ट्रिप एंड या ओके उसका इट्स वेरी क्लासिक जैसे उसने वो जीन्स और वाइट शर्ट और उसने वो मैसेंजर बैग इट्स लाइक दैट इज सो रिलेटेबल लाइक आई वुड डू समथिंग लाइक दैट एंड आई लव मैसेंजर बैग्स तो दैट इज सच अ टॉकिंग अबाउट रिलेटेबिलिटी राइट अभी जैसे हम उसके यू नो टी शर्ट और ट्रैक्स के बारे में बात कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर जो ट्रैवल लुक है बिकॉज यहाँ पे ट्रैवल लुक एक साला एक अलग वो हो गया आजकल पैप्स को ना ये उसने ये पहना ये डिजाइनर ये अपना आई वाइट शर्ट टक्ड इन जीन्स बेल्ट बूट्स आई मीन हाउ सो क्लासिक एंड टाइमलेस ओह माय गॉड स्टनर शी इज अ स्टनर और उसके बाल या ऑसम बहुत ऑसम ब्यूटीफुल ऑसम लग रही है ओह मैन गॉड ब्लेस हर बहुत सारा प्यार शहनाज को बहुत सारा प्यार ओके ओके ये जो अनसीन है सॉरी नाउ नाउ वी विल रियली टॉक अबाउट द अनसीन आई नीड टू टर्न ऑफ माय आईपैड वरना वो सामने दिखती है तो मेरे में मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ ओके ये ना बहुत कांटा और मसला और झमुरी और एम्प्टी सारे बेडरूम में है और मेकअप कर रहे हैं ओके और Kata is being overly loving, like motherly, to Masla. Okay, और यहाँ सिद्धार्थ आता है और देखो सिद्धार्थ कैसे he's so OCD about his clothes.
वो अपने पूरे पैंट, वो जो एक रात पहले का जो खाकी पैंट्स हैं, जो उसके येलो शॉर्ट्स हैं, सारे फोल्ड करके वहीं पे रख रहा है उसके बेड के नीचे के ड्रॉअर में. और जैसे रख रहा है वो सुन रहा है इनकी बातें. और एम्प्टी बोलती है कुछ, उसको कॉन्टोर कुछ चाहिए होता है. कॉन्टोर चाहिए बेबी, मेरे पास है बेबी 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 चल रहा है काटा का. ओके तो यहाँ पे सिद्धार्थ ये सुन के बोलता है दैट्स वेरी नाइस. वो मसला या काटा को बोलता है हाँ आई एम वेरी नाइस. तो फिर वो अप्रिशिएट करता है. ही इज लाइक आई अप्रिशिएट व्हाट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड. ये पूरा इंग्लिश में होती है बातें. सिद्धार्थ बोलता है कि आई लाइक जब कुछ अच्छा हो रहा है देन आई विल अप्रिशिएट व्हेन इट इज हैपनिंग. तो ये वो हाँ तो वो मसला के लिए बोलता है. वो बोलती है हाँ आई एम नाइस ऐसे. तो और फिर उसके बाद ना शहनाज आती है आउट, उसकी मतलब रेडी होके आती है. और शीज बेयर फीट. तो यहाँ पे झमुरी आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ नोवेयर शहनाज को बोलती है तेरे शूज का क्या साइज है. तो बोलती है 5. तो आज आज तो मेरी चप्पल पहन ले. मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे चप्पल है, आज तो मेरी पहन ले. मैंने कहा अच्छा ये जबरदस्ती है. तो शी इज लाइक हाँ ठीक है दे दे. तो यहाँ पे शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि सिद्धार्थ उसके लिए कुछ बोले, लेकिन सिद्धार्थ ने घंटा कुछ नहीं बोला, इग्नोर कर दिया उसको. तो वो अच्छा था. तो पहले हर्ष, फिर हर्ष आता है. हर्ष एम्प्टी को ले जाता है क्लासरूम में. तो बोलता है कि हर्ष का एक आउटलाइन था कि कैसे इसको स्ट्रक्चर करना है. हर एक का स्टैंड अप जो होता है, स्टैंड अप कॉमेडी करनी है ना. तो वहां पे वो बोलता है कि तीन तीन टारगेट रख लो आप लोगों के. तो बोलती है काटा, मासी और सिद्धार्थ. ठीक है. तो जब ये अंदर होते हैं, बाहर दिखाते हैं कि सॉरी क्राई बेबी एंड मोमो ऐसे मम्बल कर रहे हैं. और मोमो अपना टारगेट सोच रही है. तो बोलती है मैं झमुरी को करूंगी. वो बोलती है इंडिपेंडेंट कहाँ से हुई, दोस्ती 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 सिर्फ एक ही की बटरिंग करती है वो ऐसे. कुछ फिर खबर नहीं ला के देती होगी ऑफ रिसेंटली हाँ उसके हाँ एग्जैक्टली. लिए, खबर ही ठीक से काम तो नहीं कर रहा है. खबरी ठीक से काम नहीं कर रहा है. तो यहाँ फिर हर्ष उसको पूछता है एमटी को कि सिद्धार्थ के बारे में बताओ. तो एमटी बोलती है पता नहीं क्यों उसने मुझे पकड़ लिया है. स्टार्ट है स्टार्ट बटन है लेकिन स्टॉप नहीं है. तो काटा बोल फिर वो काटा के लिए बोलती है कि बिल्ली जैसे हरकतें करती है, ये दो लोग बैठे हुए हैं और मियाओ मियाओ करती है और समथिंग लाइक दैट. और तो फिर देखो मुझे ये अच्छा नहीं लगा हर्ष का जो स्क्रिप्ट था. वहां पे वो बोलता है कि कांटा के लिए बोलता है कि आंटी है आइटम गर्ल की उम्र निकल गई है. दैट आई फेल्ट वॉज रॉन्ग बिकॉज यू कैन नॉट एज शेम लाइक दैट अंडर द नेम ऑफ कॉमेडी. थोड़ा ठीक है मुझे लोग शायद करते इसके लिए हैं एमटी का पूरा कॉमेडी दिखाया नहीं बिकॉज ऑफ दिस थिंग. हाँ बिकॉज बट ठीक है. हाँ हाँ बेचारी बिल्ली की बेइज्जती सच्ची में कैट्स एंड डॉग्स को बेइज्जती है अगर ये लोगों के साथ कंपेयर करो रियली. तो अभी यहाँ पे ना झमुरी को आई फेल्ट लाइक आई कुड डू समथिंग टू हर. हर्ष और झमुरी को दिखाते हैं क्लासरूम में. तो वो पहले उसका टारगेट होता है मासी. अच्छा इसका ना इसका मीनिंग क्या है. आई थिंक मैंने इससे पहले भी पूछा था. चूजा चूजा क्या होता है. चूजा मतलब वो चिकन के, चिकन नहीं सॉरी मुर्गी के बच्चे को चूजा बोलते. चिक अच्छा चिक. तो वो बोलती है चिकन. एक कल है ना हमारे इरिटेटिंग घर नहीं के थी. सब छोटे छोटे बच्चे है ना, जो हम लोग जिस पार्टी में गए थे ना, वो लोग जैन फैमिली थे, और हमारे घर के बच्चे है ना मेन्यू काउंटर पे जाके पूछ रहे इसमें चिकन कहाँ ओ गॉड
सबसे छोटा वाला है ना, वो जस्ट 1-2 years का, उसका मुंह दबा के लेकर गए. हर एक बच्चा चिकन ढूंढ रहा कल मेन्यू पे. फनी. तो वो बोलती है मासी के लिए एक नंबर का चूजा है. तो वो बोलती है वहां पे कि मेरे को ना खुद की बजानी है, दूसरे क्या बजाएंगे. ओके, मुझे ये लगता है ये आई थिंक टिपिकली समथिंग उसका उसका भाई करता होगा. उसके डे टू डे लाइफ में शायद वहां से उसने पकड़ लिया उसको वो आइडिया को. और वो बोलती है कि हाँ, और फिर मैं ना मसला को टारगेट करूंगी, बिकॉज मसला उसकी टारगेट थी जब से सिद्धार्थ उसकी तरफ ज्यादा, मतलब वीकेंड के वार पे जो बोलते हैं कि अच्छा ये तो बाथरूम तक गए उनको मनाने के लिए, ये वो, फिर वो नोटिस करिए कि ही स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद मसला. वीकेंड के वार के बाद भी जब वो काउच पे यू नो मसला और रावण को पंप कर रहा है, या यू नो झमुर आके शहनाज को लाइक भड़काने की कोशिश करती है, तो ये सारी चीजें उसका उसका मसला पे बहुत ध्यान था वैसे भी. तो यहाँ पे वो बोलती है कि मेरे को मसला की बजानी है. और वो बोलती है, देखो वो बोलती है मसला को ना जब शहनाज के साथ कंपेयर करो ना, उसको बहुत गंदा बिल्कुल खराब लगता है, उसको जैसे आग लगती है. आग जमुरी की लाइक बॉडी लैंग्वेज देखना, जब वो किसी की यू नो बुराई करती है ना, शीज completely energized. बहुत एक अंदर से एक्साइटमेंट आ जाती है इसको जब किसी के बारे में बुराई करती है, यू नो बिचिंग करती है. तो हर्ष बोलता है, फिर शहनाज शहनाज इधर उधर ऐसे ऐसे देखती है. झमुरी बोलती है, शहनाज ना अपने आप को मारती है, और वो जैसे मारती है ना कि बहुत एक गंदे तरीके से उसके एक्टिंग कर रही है, और वो ए ए ए करके एक्टिंग करती है, ठीक है, और अपने आप को मारने का वो यू नो जेस्चर करती है. बट वो जिस तरह से जेस्चर करती है, शी इज ड्रामेटाइजिंग इट, शी इज शेडिंग इट, एंड एंड शी इज इंसल्टिंग इट. शेडिंग भी नहीं, इंसल्ट कर रही है. एंड और वो मतलब वो जिस तरह से उस चीज को डिपिक्ट कर रही थी, बहुत ज्यादा आई डोंट नो, इट्स लाइक शी वाज वेटिंग टू बी, उसको एक हाईलाइट करने का वो था. देखो उसको मजा आ रहा था, उसको बहुत मजा आ रहा, बिकॉज देखो जब कार्तिक आर्यन भी आता है ना, तभी भी वो उसको इशारा करती है कि उसको ऐसे मारना है. तो उसको ये था ना कि ये जो चीज शहनाज ने की मंडे के दिन, शहनाज तो थोड़ा उसको मतलब छोड़ दी चुकी थी वो चीज को, लेकिन झमुरी को छोड़ना ही नहीं था वो टॉपिक. हाँ. उसको उसको हाईलाइट करना ही था कि हाँ. शहनाज ऐसे बिहेव करती है. हाँ. तो इसलिए बार बार उसको उसने मतलब झमुरी ने ये टॉपिक उठाया. और ये मैं बोलू, जब रजत शर्मा आया था तब शहनाज ने ये चीज क्लियर कर दी, ताकि वापिस कोई हाँ. इस टॉपिक पे उसको नीचा ना दिखाए. हाँ, ना दिखाए. हाँ, बिकॉज झमुरी वाज नॉट लेटिंग इट गो. ओके, उसका जो दही खाके खाना खाके प्लेट चाट के जो उसने पैनिक अटैक किया था, मम्मा मम्मा मम्मा, हाँ वो सही है. उसके लिए आपकी बाहर की पीआर जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्होंने किया, वो सही है. लेकिन शहनाज का जो मारती है उसका तुम मजाक बना रहे हो, आप कॉमेडी में ये इसका इस चीज का मजाक बना रहे हो. आर यू किडिंग मी राइट नाउ? लाइक हु आर दीज पीपल? एंड ये क्या मतलब, कौन 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 है ये बंदी, और इसके फैंस कौन है जो पर्सनल चीजों के लिए. अभी मैं बताती हूँ आधे घंटे में वो अंदर क्या बोलती है. ये यहाँ पे शहनाज की एक पर्सनल चीज को मतलब, बिकॉज बिग बॉस का क्या था टास्क था, यू नो कड़वी बातें फन वे में, तो ये कौन सी कड़वी बात हो गई? तुम एक अपना पर्सनल चीज, किसी का पर्सनल, किसी की वीकनेस, किसी की वल्नरेबिलिटी, किसी का कुछ,
उसको आप कॉमेडी में हाईलाइट करोगे, ये है तुम्हारी डिग्निफाइड, ये है तुम, आई वॉज बॉर्न इन स्टारडम, आई एम डिग्निफाइड, सो गेट लॉस्ट. ये क्या है? What what the fuck are you doing? You are highlighting someone's weakest moments in comedy, and you call yourself dignified. Like, who are you? And what are you? What are you? यहाँ पे इंटरव्यू में तो बड़ा बड़ा भाषण दे रही थी, बाहर कोविड हो गया है, आई मीन कम ऑन गाइस, सीरियसली थोड़ा तो करो. आई एम लाइक कम ऑन गाइस, या कुछ पहले आईना देख ले, दो पैसों की ये नहीं थी उसमें. या हम लोग बोलते हैं ना कि ह्यूमैनिटी, पता नहीं, इंसानियत ही नहीं थी उसमें दो पैसों की. ओह माय गॉड, लाइक क्या एग्जैक्टली इंसानियत, आई डोंट इवन नो. एनिमल्स में भी होती है यार ह्यूमैनिटी. अभी हम ह्यूमैनिटी बोलते हैं, लेकिन एनिमल्स में भी एक एनिमल इंस्टिंक्ट होती है, उनमें इमोशंस होते हैं, राइट? द वे दे केयर फॉर देयर ओन फैमिली, द वे दे केयर फॉर देयर ओन ट्राइब, एनिमल्स में भी बहुत होता है. ये मुझे कुछ और ही लगती है ये बंदी, शी इज एब्सोल्युटली, एंड आई वॉन्टेड टू हाईलाइट दिस बिकॉज ये जो उसने ये बहुत चलाया है, ठीक है, ये स्क्रिप्ट बाहर आके मीडिया को बोल रही है. मैं हमेशा, हाँ, शहनाज को मेरे से प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे को कभी नहीं है, मैंने उसका केयर किया है. दिस इज हाउ शी केयर्ड फॉर शहनाज. वक्त वक्त पे उसको इंसल्ट किया है शहनाज को. ओके, आई मीन हाउ कैन शी गेट अवे विद दैट? मुझे आई डोंट नो, एंड आई डोंट नो हाउ दिस इज फनी. I don't know how this is funny. This is not funny at all. Okay. All right. तो छः बजे का सीन है बेडरूम में. ओके, शहनाज और सिद्धार्थ, सॉरी, शहनाज और कांटा उनके बेड पे हैं. शहनाज बैठी हुई है और कांटा ऐसी आड़ी लेटी हुई है. देखना, कांटा इज शेडोइंग सिद्धार्थ एंड शहनाज, और वो छोड़ ही नहीं रही है. वो हड्डी बन गई है, कबाब में हड्डी बोलो, जो भी बोलो, वो वहीं पे लाइक डटी हुई है. एंड और झमुरी इज लाइंग ऑन मोमोज बेड और सिद्धार्थ उसके बाजू में बैठा है. ओके, एंड सिद्धार्थ इज फेसिंग द आउटसाइड. ओके, एंड देखना झमुरी कैसे लेटी है. ओके, उसके हाथ उसके सर के नीचे है. इंस्टेड ऑफ यूजिंग लाइक अ पिलो, शी इज यूजिंग हर बोथ हर हैंड्स, एंड उसके दो पैर शहनाज के बेड के ऊपर होते हैं. तो वो जिस तरह से अपने पैरों को स्वे कर रही है, आई जस्ट फेल दैट होल पोस्चर वॉज इनअप्रोप्रिएट. मैं लड़की लड़का नहीं बोलूंगी, एटिकेट्स होते हैं, बेसिक एटिकेट्स होते हैं, मैनर्स होते हैं. आप लोगों के साथ बैठते हो, लड़का हो या लड़की हो, तो वो देखा है, राइट? गाय अमन, शायद आप ट्वीट कर लो, एक कोई मतलब यू नो पिन कर दो. हाँ, हमने देखा है गाइस, उसने पैप किया है, वी हैव सीन, हम जाके हम देख कर आए. थैंक यू फॉर द अपडेट. शहनाज जो पैप हुई है एयरपोर्ट पे, वो हमने देख लिया है. सो ओके, तो वो जिस तरह से बैठी है, और वो दैट इज नॉट गुड एटिकेट. ये जो डिग्निफाइड डिग्निफाइड बोलती है, उसको बैठने का लिहाज नहीं है. एंड दैट वाज एक क्वाइट एम्बैरेसिंग. आपका वन लाइनर डाल दो यहाँ पे. नहीं नहीं, गुड नहीं, बट हम लोग डिग्निफाइड है ना, हम कुछ भी नहीं. गुड वन. हाँ, तो ओके. ओह मैन, स्नेहा का वन लाइनर मिस हो रहा है इधर, बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, तो और शहनाज और सिद्धार्थ की आंखें सिर्फ शहनाज के लिए हैं. ओके, और शहनाज हंसती है उसको देखकर. यहाँ पे ना सीन वो पिन कर दो अमन, आपका जो है जो कमेंट आपने डाला है ना, वो पिन कर दो ताकि लोगों को पता चलेगा. हाँ, तो यहाँ ये सीन एडिट था. ये आई थिंक ये सीन का थोड़ा आगे का है जो हमको दिखाया नहीं गया, बिकॉज शहनाज रैंडमली हंसती नहीं. उनके पहले बातें हुई थी, लेकिन हमको वहां से दिखाया गया था सीन. ओके, तो
वो सडनली हंसती है एंड शी इज लाफिंग आउट लाउड लुकिंग एट सिद्धार्थ. फिर सिद्धार्थ बोलता है सोच लिया है इसने यू नो कैसे बजानी है. तो और फिर शहनाज बोलती है यू वॉन्ट द सेम. तो सिद्धार्थ बोलता है आई वॉन्ट द सेम. तो शी सेज ओके और वो हंसती है. ऑलराइट थैंक यू अमन. ओके यू वॉन्ट द सेम आई वॉन्ट द सेम ओके. ही इज लाइक या. और वो या ऐसे बोला ना ही इज गॉट दिस हस्की वॉइस. ही इज टर्न्ड ऑन हिज यू नो सिद्धार्थ रोमांटिक शुक्ला इज गॉट दिस. उसका एक अलग आवाज निकालता है वो. ही नोज हाउ टू वर्क इट. ओके और वो शहनाज के साथ करता है बहुत ज्यादा. एंड ही सेज आई वॉन्ट यू एंड देर इज अ कंफर्टेबल पॉज. ओके टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. तो शहनाज बोलती है ओके. एंड तो और वो जोर से हंसती है. फिर फाइनली झमुरी उठती है वहां से. उठ के यू नो मिरर में देख रही है अपने बाल बना रही है और कुछ कर रही है. ओके मैंने कहा अभी वो जीन्स में आई थी. पहले को पता था कि जब ये ऐसे कॉमेडी टास्क वगैरह रहेगा तो उसके जो टारगेट्स होंगे बहुत बढ़िया होंगे एंड वो बहुत अच्छे खासे बजाएगी. इसके लिए यहाँ पे बोलते हैं डू व्हाट एवर यू वांट टू डू. हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली गुड वन एब्सोल्युटली या. सिद्धार्थ को लग रहा था कि सना यूज करेगी. क्या यूज करेगी थोड़ा एलैबोरेट कीजिए प्लीज. हाँ तो वो भी था एब्सोल्युटली. और मैंने एक चीज आपने भी नोटिस की होगी आई एम श्योर. जब ये टास्क अनाउंस होता है और जब हर्ष के साथ बातें हो रही हैं झमुरी इज इन दैट पिंक ड्रेस और अभी यहाँ पर शी इज इन हर जीन्स और वो उसने जो जैकेट पहनी है उसने शहनाज की जैकेट पहनी है. ये बंदी शहनाज के कपड़े पहनती है बेशर्मों की तरह और बहुत अकड़ से लेती है शहनाज से कपड़े. एक अनसीन था बहुत अकड़ दिखा रही थी शहनाज को और अभी यहाँ पर क्लासरूम में जाके उसके मारने का लाइक मजाक बना रही है. ये है झमुरी. ओके ऑलराइट तो वो खड़ शहनाज वहां बैठी होती है. यहाँ पे ना सिद्धार्थ ही लीन्स और कांटा के लेफ्ट चीक पे किस करता है. ओके एंड शहनाज डज नॉट फ्लिंच एट ऑल. उसको कोई जेलेसी नहीं होती है उसको कुछ. तो फिर शी सेज यू नो पक्का और हंसती है शहनाज दो बार पक्का पक्का. और फिर सिद्धार्थ गोज एंड यू नो किसेस ऑन किस नहीं इट वाज अ पेक ऑन द चीक. ओके पेक्स ऑन हर राइट चीक आल्सो. डिड सिद्धार्थ वांट सना टू किस हिम. No. Oh, dude. वो तो मांगने की जरूरत नहीं है. These guys are masterminds है. ये masterminds है. ये इतना सीधा नहीं खेलते हैं गेम भाई. तो वो कांटा को किस कर रही है. वो किस करता है. शहनाज अगर इफेक्ट होती है मेरे को तेरे से प्रॉब्लम है मैं तेरे से जलन हूँ मेरे को तेरे को पोजेसिव हूँ ये बोलती है ना शहनाज. तो अगर यहाँ पे वो पंगे ले रहे हैं दोनों ओके और वो हंस रही है उससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि शहनाज को पता है सिद्धार्थ क्या कर रहा है. वो एक साइन भेज रहा है उसको सिग्नल कर रहा है और शहनाज देखो क्या करती है. खड़े हो जाती है वहां पे बेड पे यू नो खड़े होके शी गेट्स ऑफ द बेड. ओके ये पोजेसिव नहीं था गाइज. दिस वॉज नॉट यू नो टेस्टिंग हु इज मोर पोजेसिव. तो ये दिस वॉज पंगे ले रहे थे दोनों एक दूसरे से. हाँ सो ये पैक ऑन द चीक इज अ वेरी सी आई नो ऑप्टिक्स विल नॉट लुक गुड. आप जिस तरह से दिखाते हो वो कुछ अलग दिखता है या जो भी होता है बट अ पैक ऑन द चीक इज अ एक्सट्रीमली कॉमन सोशल जेस्चर यूजली राइट. आई नो कई लोग नहीं इट्स नॉट कॉमन एवरीवेयर बट इट इज यू नो जिस तरह से लाइक सिद्धार्थ की सोशल लाइफ रही है
काटा की सोशल लाइफ रही है, उनके फैमिलीज में लाइक हमारे यहाँ भी वी हग एंड किस, राइट? हम किसी फैमिली या फ्रेंड्स को देखते हैं, हम हग करते हैं या चीक टू चीक किस करते हैं, इट्स क्वाइट कॉमन. तो उनके लिए इट वॉज, ही वॉज ओके. बट ऑप्टिक्स जैसे होते हैं लोग, जो लोग ये नॉर्मली नहीं करते हैं, उनको ऐसे लगता होगा कि ओ दिस इज सो इनअप्रोप्रिएट, उसने किस कैसे किया, ओ सिद्धार्थ किस, फिर सिद्धार्थ ये है, फिर सिद्धार्थ को टैग्स लगते थे सोशल मीडिया पे कि वो फ्लर्ट है, ये है फलाना ढिमकाना. मतलब पता नहीं क्यों पीपल फेल्ट लाइक दे कैन से व्हाटएवर दे वांट टू से अबाउट सिद्धार्थ, एंड इट ब्रेक्स माय हार्ट व्हेन दे डू दैट. नो, दे वर नॉट हैविंग फन, दे वर हैविंग फन बट देर वॉज अ इंटेंशन बिहाइंड दैट. ओके, तो वो जैसे वो किस करता है एंड फिर शहनाज उठती है वहां पे, तो एंड देन शी गेट्स ऑफ द बेड एंड शी सेज वेट एंड वॉच, ऐसे बोलती है, हंसती है, शी इज हैविंग फन हियर इन दैट. ओके, यहाँ का झमुरी ती को किसने बोला बे, वो शहनाज को बोलती है नहीं 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 नहीं, हु देखो किसने पूछा, तू अपने बाल बना ले, अपना पाउट कर, और तू अपनी मुंडी हिला, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, तू वही कर, लाइक हु आर यू. ओके, सो वो बाहर जाती है और वो मिरर में देखकर ना अपने बाल ठीक करती है और करके तो यहाँ काटा बोलती है व्हाट इज दिस थिंग दैट यू हैव स्टार्टेड, ए तू मेरे को क्यों बलि का बकरा बनाता है बे, ऐसे बात करती है वो. और शहनाज यू नो चेक्स हरसेल्फ आउट इन द मिरर एंड वो ना क्राई बेबी के सामने बैठ जाती है. दूसरे काउच पे मासी होता है. ओके, तो सिद्धार्थ वहां पे थोड़ा सोचा होगा भाई ये मासी के पास जाएगी कि राइट जाएगा कि लेफ्ट जाएगी. जैसे वो चकदे का सीन है ना, ये राइट पे मारेगी या लेफ्ट पे मारेगी. वो असमंजस में था. ये राइट जाएगी कि लेफ्ट जाएगी भाई. राइट हाँ, तो वो मासी, अगर वो मासी के पास जाती तो फिर कलेश होना था, बट वो क्राई बेबी के पास जाती, इसको भी पता है. तो क्राई बेबी के पास जाके बैठती है, उसके सामने बैठती है और तो बोलती है तू मेरी कसम खा, ऐसे बोलती है क्राई बेबी को. तो यहाँ पे ना अंदर एक सीन होता है, कांटा बोलती है व्हेन शी सेज तू मेरे को बलि का बकरा क्यों बना रहा है, फिर वहां पे वो बोलती है यू नो तेरी आइटम भड़कती है. वो आइटम को म्यूट किया था उन्होंने चैनल ने, बिकॉज चैनल का अपना ही चल रहा था, चैनल अपना नैरेटिव दे रहे थे, लेकिन वो आइटम आइटम इज अपनी बंदी, जैसे पंजाबी वाला बोलते हैं ना ये मेरी बंदी है, तो वैसा ही हाँ. बॉम्बे में आइटम बोलते हैं, ये मेरी आइटम आइटम हाँ. बॉम्बे का स्लैंग है आइटम, मतलब आइटम गर्ल, ऐसे मत चले जाओ नहीं, आइटम गर्ल मत जाओ कोई भी, आइटम इफ यू नो मतलब हाँ, अगर हाँ, आपको कोई लड़की पसंद है ये मेरी वाली है तो ये मेरी आइटम है, तू उससे दूर रह. तो देखो यहाँ पे काटा को पता आइटम है ना, बहुत सबको पता था जो फेमिनिस्ट हाँ. लोग होते हैं ना, दे डू नॉट टेक इट इन अ गुड वे, बट मेरे लिए ठीक हाँ. है, आई एम नॉट. तो वो उसको पता था कि क्या चल रहा है, इसके लिए उसने वो वर्ड हाँ. यूज किया यहाँ पे आइटम हाँ हाँ कि मेकी कि यू नो तेरी बंदी या यू नो तेरी वाली ऐसे. तो शहनाज ना क्राई बेबी को देख के बोलती है और बैकग्राउंड में दिखाते हैं मतलब इफ यू लुक बिहाइंड इन द बेडरूम जहां अभी द कैमरा फोकस इज ऑन शहनाज एंड क्राई बेबी, बट पीछे आप देखते हैं फ्रेम में सिद्धार्थ और झमुरी हंस रहे हैं. मतलब झमुरी को कैसे भी शी वाज सो पैथेटिकली डेस्परेट, सो ऑब्वियसली डेस्परेट टू टॉक टू सिद्धार्थ, एंड यहाँ यू नो झमुरी बोलती है क्राई बेबी की शक्ल देख बेचारा ऐसे कुछ बोल रही है. ओके okay? एंड गाइज एक ना आइटम वर्ड ना इज अ वेरी लाइक थोड़ा TMI है, बट मैं कभी कभी मेरे हस्बैंड को आइटम बुलाती हूँ, ए आइटम क्या कर रहा है. मैं उसको जैसे माल बोलते हैं ना, मैं छेड़ती हूँ ना उसको, तो ऐसे तो वो इट्स अ वेरी कॉमन स्लैंग, बहुत कॉमन है बॉम्बे में तो. हाँ या ऐसे so, कि एकदम माल लग रही है, ऑफेंडेड हाँ कि माल लग रहा है आज तू ऐसे लाइक आई
I tease my husband like that sometimes. Nice. It's a very bichara tamatar nahi ho jata. नहीं नहीं कुछ नहीं अभी यार 25 साल हो गए. अरे फिर भी है, कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट. मैं तो बहुत लाइक हाँ मेरा है तो फिर मैं कुछ भी बोलूं ही इज कूल विद इट. ओके तो फिर सिद्धार्थ बोलता है कि यू नो मेरे को इसका अच्छा लगा. वो जैसे बैठती है तो शहनाज ना क्राई बेबी को बोलते आंखें बंद कर और कप नीचे कर यू नो तेरा मुंह तोड़ दूंगी. तो वो आंखें बंद करता है तो कर लिया वो हाँ कर लिया. और फिर मासी मासी वहां से यू नो बोलता है कि इसको कुछ टास्क मिला है उधर से. सो तो क्राई बेबी बोलता है आई नो कुछ कुछ गलत नहीं करना कुछ. तो शहनाज ना फिर एक बार लाइक मुड़ती है सिद्धार्थ की तरफ देखती है और वो भी उसकी तरफ देख रहा है और शहनाज उसके क्राई बेबी के फोरहेड पे किस करती है. ठीक है. और फिर जब किस करती है ना तो सिद्धार्थ देखो झमुरी झमुरी के कान में लीन करके बोलता है टॉय बॉय. I'm like brother, he is next level dude. मतलब कौन से सिचुएशन पे कौन सा गाना, कौन से सिचुएशन पे कौन सा टॉन्ट. मतलब he can do screenplay, he can do dialogues, he can do you know choreography, he can do music. पूरा movie बनाते हैं ये लोग. पूरा मतलब 70 mm दिखा देता है सिद्धार्थ दोनों दोनों मिलके you know? इसके लिए जब वो ब्रोकन बट ब्यूटीफुल का जो डायरेक्टर थी ना उसका जब इंटरव्यू आया था ना शी वाज टेलिंग दैट सिद्धार्थ के बहुत अच्छे इनपुट्स होते थे व्हेन वी यूज्ड टू डू इट. एंड बोलते बहुत सजेशंस देता था सीन को लेकर. सो बोलते मतलब उसका देखो ना उसका दिमाग भी उसमें भी बहुत ज्यादा चलता था. So she was, that's why she was praising him for all his input. बोलते उसके inputs हमेशा अच्छे होते थे and वो हमेशा guide मतलब बहुत अच्छा direction में भी help किया है उसने. हाँ हाँ. मैंने लिखा है guys chat पे कि उसने क्या बोला था. That was a taunt because जिस तरह से काटा और cry baby की you know करीबियां बड़ी थी first weekend के बार पे जो बिग बॉस ने खुद दिखाया था हमें. जाके यूट्यूब कर ली सॉरी गूगल कर लीजिए प्लीज उसका क्या मीनिंग है. अभी वो सब लाइव पे नहीं बताएंगे अब जाके देख लीजिए. नहीं नहीं चनप्रीत उसका वो मीनिंग नहीं उसका कुछ और है मतलब वही है बट इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. हाँ तो जाके देख लें बट उसको वो टैग दिया था हो, गंदी बातें नहीं करी. गंदी बात वो जैसे शहनाज बोलती है गंदी बात करण जौहर को ओटीटी पे एंड सिद्धार्थ इज लाइक ओह माय गॉड व्हाट इज शी सेइंग. हाँ देखो हरदीप ने यहीं पे डाल दिया गूगल जाने की जरूरत भी नहीं है मेरे कम. हाँ बट इट वॉज इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट जैसे रावण ने बोला था. आई मीन इट्स ओके एज ऊपर नीचे होता है दैट्स फाइन बट रावण का जो बोलना था इट यू नो सजेस्टेड समथिंग एल्स. ऑलराइट इनफ ऑफ दैट. बट यहाँ पे सिद्धार्थ का एक टॉन्ट था क्या था हरदीप जी मैंने कर दी गंदी यू आर सो क्यूट यार. हरदीप टू गॉड आज डिकोडिंग नहीं होगा यार आज बहुत डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं. थैंक्स नो थैंक्स टू सिद्धार्थ. ओके ओके सो ये टॉन्ट क्यों था ये किस किस क्यों चल रहा था. ओके ओके लेट्स जस्ट फिनिश द सीन एंड देन आई टेल यू व्हाट हैपेंड और व्हाट आई थॉट हैपेंड. ओके तो शहनाज वहां पे यू नो जंप करती है उठ के और वो अंदर आती है मतलब शी इज एक्साइटेड एंड शी इज लाइक यू नो हॉपिंग ऑन हर फीट एंड शी कम्स इनसाइड द बेडरूम. फिर झमुरी यहाँ बोलती है कुछ नहीं किया आ गई बिना किस किए. तो ही इज लाइक नहीं किया किया यू नो सिद्धार्थ ने किया. तो काटा बोलते किया ना की तो
तो शहनाज वो बोलती है टोन बहुत गंदा था. बहुत बहुत शहनाज बोलती है किया ना फोरहेड पे किस, तो सिद्धार्थ ना चीयर्स करता है शहनाज को कि एट अ गर्ल राइट, उस मतलब ये ना पंगे एक दूसरे के साथ जब करते थे ना फन फन ओके, तो दे डू चीयर्स, आई थॉट दैट वाज जस्ट लाइक अ सेक्सी मूव, दोनों का मतलब मास्टरमाइंड प्ले था ये ओके. फिर झमुरी फोरहेड पे किस किया सो क्यूट, नोबडी आस्क्ड यू सो बी क्वाइट. फिर शहनाज चीयर्स करती है सिद्धार्थ को और फिर वहां से क्राई बेबी भी चीयर्स कर रहा है. सी इट वाज लाइक आप फ्रेंड्स के साथ कुछ करते हो, यू गो आउट एंड यू डू अ जैसा डेयर हाँ और समथिंग, फिर ट्रूथ आप और लोग डेयर जब हम खेलते हैं तो डेयर मिलता है तो हम करते हैं ना वो चीयर्स चीजें. करते हाँ कुछ हाई फाई करते हैं या चीयर्स करते हैं ऐसे. दिस इज अ वेरी टिपिकल थिंग टू डू. सो तो वहां से वो करता है लाइक क्राई बेबी चीयर्स करता है एंड फिर शहनाज भी चीयर्स करती है, सिद्धार्थ भी चीयर्स करता है. तो एनीवे सो दे ऑल चीयर्स टू ईच अदर, बेसिकली क्राई बेबी सिद्धार्थ एंड शहनाज. ऑलराइट, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये किसका क्या था, मतलब क्यों किया सिद्धार्थ ने फिर शहनाज ने क्राई बेबी को क्यों किया, कि एक तो एक एक चैनल को दिख, मुझे लगता है ऑडियंस को शायद समझ में आया नहीं आया पता नहीं, आई फेल्ट कि वो दिखा रहे थे कि वी नो व्हाट यू गाइस आर अप टू, कि काटा क्या करने की कोशिश कर रही थी और क्या मतलब उसको जो क्राई बेबी के साथ गेम खेलना था और वो ये दोनों यहाँ पे कंफर्म कर रहे थे कि ये तुम लोगों का जो चल रहा है वो हमको दिख रहा है. एक वो काटा के लिए भी था एक मैसेज सिद्धार्थ को, मतलब सिद्धार्थ से कि आई नो व्हाट यू आर डूइंग विद क्राई बेबी एंड सो डज शहनाज. सो बिकॉज देखना लड़ाई में इनकी जैसे शहनाज चढ़ती है ना सॉरी जैसे काटा चढ़ती है शहनाज पे, उससे अंदाजा लगता है कि काटा वॉज इरिटेटेड विद शहनाज और शी वॉन्टेड टू गिव इट बैक. सो यहाँ पे ये दोनों का वो था कि ड्यूड आई नो वॉट यू डूइंग, बेसिकली आई फेल दैट फॉर बोथ क्राई बेबी एंड काटा. बट बोलो स्नेहा आपको क्या लगा. मुझे ऐसा लगा ना कि यहाँ पे सेम वे जैसे सिद्धार्थ बोल रहा ना, वो काटा को लोग को जमुरी को दिखा रहा था कि सिर्फ तुम लोग नहीं खेल सकते क्राई बेबी के साथ, चाहिए तो हम दोनों भी खेल सकते हैं. एंड दोनों ने हाँ खेला स्पाइडर वीक में क्राई बेबी के साथ हाँ खेला. या उसको पता भी नहीं ओ चला कि कैसे खेला उसको बट खिलाया खिलाया रे हाँ पूरे घर को. ओ मैन स्पाइडर वीक, आई कांट वेट फॉर स्पाइडर वीक, सबको खिलाया तो इसलिए वो तबीयत से बोल रहा था खिलाया. कि सिर्फ तुम लोग गुड टर्म्स में नहीं हो, हमको भी हाँ आता है गुड टर्म्स में रहना क्राई बेबी के साथ. हाँ एग्जैक्टली दैट वाज लाइक अ आई नो व्हाट यू आर डूइंग सो डोंट गो देयर. हाँ वो क्योंकि सुबह जैसे से बोल रावण रही बोल रहा था ना वो कि हाँ पंजा तो हम दोनों को लड़ना चाहिए दिस दैट, तो इसके लिए हाँ वो था कि या काटा ओवर स्मार्ट बन रही थी ना, काटा बोल रही थी ना कि पंजा मैं और आप सेम करते थे ऐसे, वो पोक कर रही थी. इवन कैप्टनसी के टास्क में भी जो जिम एरिया में बातें हो रही थी वहां पर भी कर रही थी उसकी अटेंशन लेने के लिए. ओके नो दैट वाज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन स्नेहा कि तुम लोग अलायंस मतलब वो जैसे उसने सिद्धार्थ ने रावण को बोला ना तू ऑफ है, ये भी एक वही किस्म का चेतावनी था. बट पता नहीं काटा फिर काटा बोलती है हाँ प्यार दिखाओ प्यार करो सबको. मैंने कहा अच्छा लाइक पॉइजनस स्नेक बोलती है प्यार करो प्यार दिखाओ. यहाँ अभी हर्ष और मोमो क्लासरूम में है. मोमो बोलती है रावण का मेरे को बजाना है, संस्कारी प्ले बॉय बनता है और शी टॉक्स अबाउट सम फ्रंट फुट रबिश. फिर कुछ तो बोलती है तो हर्ष बोलता है उसको बोलता है
यू नो मैंने ये लिखा है रावण के लिए. शी इज लाइक हाँ ठीक है ठीक है. मतलब उसको वो कॉमेडी भी नहीं आता है, उसको स्क्रिप्ट भी नहीं दे. उस शी नीडेड हर्ष टू गिव हिम अ स्क्रिप्ट, गिव हर अ स्क्रिप्ट. ओके, फिर वापस बेडरूम में सीन है, रावण अंदर आता है ठीक है, और शहनाज और सिद्धार्थ और कांटा वर राइट देयर ऑन द बेड. ओके, और सिद्धार्थ ऐसे रावण को देखती रहती है, मसला इज इन द बेड. ओके, तो शहनाज बोलती है वो है ही इतना स्मार्ट. तो जिन लोगों को लगता है कि यहाँ पे सिद्धार्थ जेलस फील कर रहा था शहनाज और रावण के रिलेशनशिप को लेकर, गो बैक टू एपिसोड वन एंड स्टार्ट वॉचिंग इट अगेन प्लीज. कर लो जो तुम्हारे दिमाग में है सब कर लो, कर लो, हमको फर्क नहीं पड़ता. नहीं पर थैंक यू. हाँ तो यहाँ मतलब शहनाज वहां पे बैठ के सोच रही थी तू बजाएगा रावण की, अब मैं भी बजाती हूँ रावण की. तो कौन ज्यादा बजाता है रावण की, चल रहा था इधर. तो यहाँ पे इसीलिए रावण का बाद में निकलता है लड़ाई वाले इसमें. ओके, तो हाँ वो है ही इतना स्मार्ट. तो बोलता है हाँ वो तो है, वो तो है. तो बोलती है यू कांट इग्नोर हिम. तो सिद्धार्थ बोलता है यस ऑफ कोर्स यू शुडंट, स्पेशली यू, यू कांट. तो शहनाज बोलती है एग्जैक्टली, यू कांट इग्नोर हिम व्हेन ही इज विथ हर. तो ये काटा वहां पे थी ना मैडम जी, जो बड़ी बनती है नहीं, वो वहां लेटी हुई थी वहां पे, मम्मी बन रही थी मसला की. वहां मसला की मम्मी बन के, मसला को उखाड़ने के लिए रेडी बैठी हुई थी. वो वैसी वाली मम्मी है वो, जो अपने बच्चे को खाती है. वो कोई एनिमल नहीं होता है जो अपने बच्चे को खाते हैं, वो वैसी वाली मम्मी है. हाँ कौन सा एनिमल है वो, है ऑस्ट्रिच कुछ, नहीं. है नहीं है कुछ, हाँ अगर किसी को पता हो तो प्लीज बताना. ओके, तो यहाँ देखना रावण मसला को बहुत टाइटली हग करता है और बेड पे सोता है. तो फिर शहनाज बोलती है ओ रियली, तो बोलता है रियली, और बिकॉज योर आईज आर ऑलवेज वॉचिंग. व्हेन ही सेज वॉचिंग, शहनाज ना सिद्धार्थ की तरफ देखती है, योर बर्निंग फ्रॉम विद इन. तो बोलती है ओ अभी तो मुझे ऐसे लग रहा है कि तू बर्न हो रहा है अंदर, और हंसती है वहां पे. और सिद्धार्थ हे ऐसे हंसता है. ओके, व्हाई डज ही से दैट, व्हाई डज ही से योर आईज आर ऑलवेज वॉचिंग, बिकॉज उसको वो अटेंशन, उनका वो जो सोने का पोस्चर था, जो रजाई के अंदर ये जो एक बहुत इंटीमेट था उनका सोने का ढंग, रावण का और मसला का जितना दिखा, वो हाईलाइट कर रहा था कि ये लोग जो बन रहे हैं लेकिन अपने रिलेशनशिप को झुटला रहे हैं, वो ही वांटेड द चैनल टू सी इट एंड और द ऑडियंस टू सी इट मेनली. तो ठीक है, तो फिर यहाँ वापस सीन चेंज होता है, सॉरी क्राई बेबी, सॉरी मोमो और हर्ष के वहां क्लासरूम में. ओ स्नेहा कहाँ गई? स्नेहा आएंगी, स्नेहा ओके है वो लाइव पर है. अमन ऐड कर देना उनको प्लीज. ओके, तो बढ़िया. ऑल राइट. इसीलिए तो है ना कि ये सब सीन्स दिखाने पे चैनल को मजबूर किया, और इसीलिए तो रावण की गर्लफ्रेंड को मजबूर होके फोन करना पड़ा. हाँ अगले बिकॉज वीकेंड तक. या एग्जैक्टली हाँ बिकॉज शी इज गुड फ्रेंड विथ सलमान जो मैनेजर है ना उसके साथ, एंड शायद शी इज द रीजन कि रावण को ये मिला बिग बॉस. हाँ बिकॉज कॉन्टेक्ट्स है उसके. हाँ कॉन्टैक्ट्स भी है, उसके डैड पुलिस में भी है, एंड सेकेंड थिंग शी वॉज अ फेस ऑफ कलर्स ना विद दैट सीरियल विघ्नहर्ता गणेशा, एंड उसने बहुत टाइम तक किया वो सीरियल. तो अच्छा वो हाँ नहीं पता था मेरे को या शी हैज विघ्नहर्ता का. ओके हाँ शी हैज प्लेड द रोल ऑफ आई थिंक पार्वती, तो उस वजह से शी हैड गुड कॉन्टैक्ट्स, और आई थिंक उसके थ्रू ही इसको भी बिग बॉस मिला.
That's epic. हाँ, मुझे ऐसा उसको लगा खुद के बलबूते पे, ये वो सोच रहा होगा मैं स्प्लिट्सविला जीता हूँ इसीलिए मुझे बिग बॉस दिया. ना 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 ना, आई थिंक शी हैज गुड कॉन्टैक्ट्स, उस वजह से मिला. बढ़िया, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दैट. या तो यहाँ पर सिद्धार्थ इज हाईलाइटिंग दैट अगेन इधर. ओके, अभी सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम, हर्ष का और मोमो का. और फिर वो बोलती है कि मेरे को ना रावण मसला और शहनाज का करना है. रावण और शहनाज फर्स्ट वीकेंड के बार पे बैठे थे काउच पे लिप्स के साथ. लाइक हाउ ओल्ड आर यू अगेन? पूरे घर में लाइक बोल रही है कि इनका प्यार चल रहा है, और हर्ष को बोल रही है कि वो लोग फर्स्ट वीक में, और द वे शी इज सेइंग ओ माय गॉड. या इट्स लाइक इस मतलब इसको अभी अभी प्यूबर्टी हुई, जो हार्मोन्स, शी वाज क्वाइट हार्मोनल आई फेल्ट, कि ये इसको क्या हो गया है. मतलब इसने कभी हाँ लिप वाले काउच पे बैठे थे, हाँ लाइक व्हाट, आरंट यू लाइक 35 समथिंग, लाइक एंड आरंट यू लाइक व्हाटएवर व्हाटएवर व्हाटएवर, उसका जो भी एज है, मतलब थोड़ी मैच्योरिटी दिखाओ. आप क्या क्या बोल रहे हो, क्या क्या कर, व्हाट आर यू डू, एंड दिस इज योर कंटेंट. एक्सपेक्टिंग हरसेल्फ टू बी ऑन दैट सीन. तो इसके लिए सोच रही थी कि मैं नहीं बैठ के वो कैसे बैठ गई. हाँ, ब्यूटीफुल तो मतलब मैं हूँ पूरे घर में. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, फेस ऑफ कलर्स है वो, फेस ऑफ कलर्स. हाँ, अभी नागिन आई है, 14 में आई है, 15 में आई है, मतलब फिर से. हाँ, तो फिर बहुत अच्छा है, अच्छा है इनका. ओके, अभी फिर सीन शिफ्ट होता है बेडरूम. सिद्धार्थ बोलता है शहनाज से कि अब गलती से भी राइट में मत देखना, और राइट में मत देखना, दैट्स रिवर्स साइकोलॉजी. तो वो देखती है काटा, काटा देख, यू नो, काटा भी देखती है. बेसिकली इट्स टू ड्रॉ अटेंशन टू देयर पोस्चर, वो जिस तरह से लेटे हुए थे. काटा भी देखती है. फिर सिद्धार्थ बोलता है वरना खत्म हो जाएगी. ओए होए, तो शहनाज बोलती है हाय हाय हाय, गल गई, मतलब मेल्ट हो गई. जो जो मुंह पे मिठास दिखा रही है कैमरास के लिए, आई लव इट, ऐसे बोलता है. तो कांटा बोलती है, रावण को बोलती है काटा लगा, वो एक किलर गेम खेल रही है. ओके, काटा बोलती है रावण को, पता है शहनाज ने किसको पप्पी दी? तो अच्छा, तो तेको किसने पप्पी दी वो नहीं बोल रही है, शहनाज ने किसको पप्पी दी बोलनी है उसको. तो कांटा बोलती है आ सेम, और ऐसे रोल करती है आइस. तो यू नो सिद्धार्थ बोलता है रावण को कि शहनाज ने क्राई बेबी को यू नो पप्पी दी. भाई भाई फुल पप्पी वप्पी चालू, उसका वो बॉम्बे एक्सेंट आता है उसका. और यहाँ ना रावण इज शोइंग नो इंटरेस्ट, एंड वो लाइक मसला के बाल सहला रहा है यहाँ पे. तो हो गया इन लोगों का पप्पी चालू. पप्पी चूल, ऐसा कुछ, पापी चूल, समथिंग ही सेज. तो शहनाज बोलती है पप्पी क्या है, पप्पी पप्पी कर दू यहाँ पे, मैं तो तेरी रिस्पेक्ट करती हूँ तेरी, इसीलिए. और हंसती है. तो सिद्धार्थ उसको इग्नोर करता है ऑन पर्पस. इट्स नॉट लाइक उसने सुना नहीं है, बिकॉज उसने यही बात वीकेंड के वार के एक अनसीन में भी बोली थी, स्मूच क्या बड़ी बात है. इतना लाइक व्हाई यू गाइस मेकिंग अ बिग डील, एंड शी वाज राइट. एंड यू नो सिद्धार्थ बोलता है अच्छा तो फिर चलो. ऐसे बोलता है उसको. ओके, तो सिद्धार्थ बोलता है हाय, और अंदर जाता है बाथरूम के, बिकॉज आई थिंक ब्लाइंड्स लगे हुए हैं और समथिंग, ही गोज इनसाइड फॉर अ स्मोक ब्रेक. फिर कांटा यू नो शहनाज को बोलती है करना पप्पी क्या प्रॉब्लम है, प्यार दिखाओ, ऐसे बोलती है. ओके, फिर 7 बजे सीन चेंज. 7 बजे मासी के साथ बैठा, दोनों 36-38 इयर्स ओल्ड लेडीज का बोलने का टोन देखो. हाँ,
और ये दूसरों को पॉइंट आउट करती है, खुद देखो हाँ. कि कैसे बहुत हार्म सच वर्ड बट बहुत हार्म हाँ बहुत हार्मोनल हाई थे ये दोनों दोनों के हाँ बहुत कुछ हो रहा था हार्मोन्स हाई थे पता नहीं क्या हो रहा था बट उनको ये था बेचारी शहना मतलब शहनाज को कॉर्नर करना है पूरा घर मिलके ये जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वुमन क्या है उसका सॉलिड वुमन सॉलिड वुमन तुम एक औरत होकर एक औरत की बजा रहे हो वैसे तो आप इंसान होके इंसान की नहीं बजानी चाहिए बट ठीक है आप एक औरत हो एंड यू से यू स्टैंड फॉर वुमेन एंड योर दिस एंड आप जाके यू नो वुमेन वॉक्स पे जो 5K वॉक्स या जो भी उस पे जाके तुम लोग बोलते हो और एक यू नो घटिया डेली सीरियल की स्क्रिप्ट लेकर जाके वो स्टेज पे बोलते हो और यहाँ पे तुम एक एक, एक लड़की को यू नो यू आर लिटरली bullying her mentally physically you're torturing her and you call yourself a solid woman aur jo woman ye aise logon ke fans hai na like really I don't know what aapke kya data points hai aapke aap kaise idol matlab, ke liye kaise kaise ho? Yeah exactly like kya 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 soch ke ye logon ko follow karte ho aap log like anyway especially after they've showed themselves jahan pe wo bolti hai harsh ko ki pehle hafte mein inka triangle ha ha wo abhi bola acha ha wahi kiss wale couch pe baithe the oh my god I'm like how old are you and unhone usne kitne acche se clean sheet de di dekho masla ki kaun chipak raha hai ravan ke sath masla ha and exactly. तुम यहाँ बैठ के क्लीन चिट दे शहनाज के लिए वो तो दोस्त है ना मतलब इनको लगता है ये दोस्ती है और जो लड़की उसको शक्ल तक नहीं देखती वो प्यार है इनका क्या हाँ. पता नहीं इसके लिए शायद उनके लाइफ वैसे ही चल रही है हाँ, वैसे या तो हर्ष और मासी बैठते हैं लिविंग एरिया में और वो बोलता है कि शायरी से शुरू मत करो लाइक रोस्टिंग से शुरू मत करो तो बोलता है कि मेरे को झमुरी को टारगेट करना इंडिपेंडेंट और पपेट का कुछ राइम बनाना है और रावण का कुछ यू नो गुरु चेला का कुछ वो बोलता है समथिंग ओके अभी सीन चेंज होता है 7:45 का ओके और हर्ष और सिद्धार्थ का है ओके हर्ष और सिद्धार्थ का है और सिद्धार्थ आता है इन द लिविंग एरिया झमुरी इज वॉकिंग अवे फ्रॉम दैट लिविंग आई एम लाइक झमुरी को क्या करना है अभी ओके झमुरी खुद ग्लास रूम में गई उसके टाइम पे कोई मंडरा नहीं रहा था ओके और झमुरी जब सिद्धार्थ यहाँ बैठता है ना शी सिट्स ऑन द टेबल एंड वॉचिंग हिम हाउ पैथेटिक इज दैट तुमको क्या करना है वो क्या कर रहा है सिद्धार्थ Everybody was in the living room. Cry baby or Masi, sorry, Momo, Masi, Cry baby and Jhamuri. They were all in the living room when Siddharth was talking. जब ये लोग बात कर रहे थे हर्ष के साथ कोई आया सिद्धार्थ आया नहीं आया ये इतने गंदे लोग हैं इतने इनसिक्योर लोग हैं खुद मैनर्स 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 बोलते हैं ये झमुरी तो एक नंबर की मैनरलेस बंदी है मैनरलेस मतलब एटिकेट नहीं है कहीं पे भी घुस जाती है कहीं पे भी पैर खोल के बैठ मतलब एब्सोल्युटली नो एटिकेट हर बॉडी लैंग्वेज हर एवरीथिंग ओके फिर सिद्धार्थ बोलता है यार मेरे को कुछ नहीं आता भाई यहाँ पे हर्ष हंसता है जोर से सिद्धार्थ भी हंसता है इट्स क्वाइट ऑकवर्ड और तो सिद्धार्थ बोलता है मैंने ऐसे कुछ किया नहीं है नहीं वो सामने पढ़ पढ़ के करो तो फिर देन दे टॉक अबाउट पराठा एंड चप्पल अबाउट मासी और फिर यू नो झम फिर वो बोलता है हर्ष बोलता है कि यू नो ही रोट समथिंग फॉर मासी ओके वो बोलता है कि उठ के चार पराठे खाता है तो चार नहीं छह बोलता है सिद्धार्थ तो शहनाज आती है वो बोलती है हर्ष ये तेरे लिए एंड शी किक्स हर फुट ऐसे तो और सिद्धार्थ इज लाफिंग एंड ही इज लाइक ये क्या है तो फिर सिद्धार्थ बोलता है समझ रहा है तू
हम एग्रेशन में इतना इतना कितना हंसेगा तो एग्रेशन हो ही जाता है ऐसे कुछ. ही इज क्वाइट नर्वस बेसिकली, दैट वाज द होल पॉइंट आई फेल्ट. फिर क्राई बेबी वहां से बोलता है कि 2 दिन में रहोगे तो इस पे भी आप ताली मारोगे और समथिंग. सो देखना पूरा ध्यान ये लोगों का शहनाज और सॉरी सिद्धार्थ और हर्ष पे था. और एनीवे तो यहाँ पे हमको दिखाते नहीं है, कट करते हैं. फिर बेसिकली दे शो अस हगिंग, हर्ष एंड सिद्धार्थ हगिंग ईच अदर. फिर सबको बाय बोलता है हर्ष और होता है ओके. अभी ये 7:15 का सीन है. मुझे ओके ऐसा अभी लग रहा था लड़ाई का ना सीन है. कि वो जो हाँ विकास खन्ना वाला टास्क में जब सिद्धार्थ को और क्राई बेबी को एक टीम में डाला ना, तो क्राई बेबी वॉज मतलब उसको ऐसा मतलब उसको वो रियलाइज हो रहा था कि मैंने सिद्धार्थ से आज अगेंस्ट जाके क्या गलती कर दी, हाँ क्योंकि उसको पता है कि अगर सिद्धार्थ के साथ है तो हर टास्क जीतेंगे एंड एवरीथिंग विल गो स्मूथली. तो वो मुझे ऐसा गुड लगा, गुड इसलिए गुड इसलिए कॉल वो आउट. यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि यहाँ रहोगे तो 2 दिन में आप उस पे ही हंस मतलब वही चीज पे हंसोगे. तो हाँ उसको थोड़ा सा वो बोलते हैं ना कि सेल्फ रियलाइजेशन थोड़ा हुआ, बाद में वो अपने ऊपर आ गया. बिकॉज वो पूरे आ गया आ कॉमेडी गया. टास्क में से ही वाज क्लिंग मतलब वो बार बार सिद्धार्थ की तरफ जा रहा था. या आके बोलता है ना उसके कॉमेडी टास्क के बाद, ओ भाई मैंने किया भाई, वो रैप के बाद आके बोलता है. बिकॉज जब फर्स्ट डे वो रैप करता है ना, सिद्धार्थ उसको बहुत पंप करता है और शहनाज भी उसको पंप करती है और रावण उसको बुली करता है फर्स्ट डे वो जब रैप करता है, पंजाबी में रैप करता हाँ, है वो पंख खड़ यहाँ. के वगैरह वो वाला रैप. हाँ, तो यहाँ पर आने के बाद, यहाँ मतलब ये वाले एपिसोड में भी, वीकेंड वाले एपिसोड में भी, वो जब आके उसको सिद्धार्थ के साथ शेयर करता है, शहनाज के साथ शेयर करता है, दैट वाज नाइस. फॉर अ मिनट इट वाज नाइस, बिकॉज ही केम बैक टू वेयर ही नोज कि कोई उसकी कदर करेगा. बट दैट्स वेयर ही अगेन फिर क्राई बेबी बिकम्स हिमसेल्फ, फिर अपने पे आता है. ओके अभी टाइम चेक है, इट इज 10:10 स्नेहा, और अभी हमारा वो लड़ाई वाला सीन होगा. मेरे 10 मिनट रह गए उसके नोट्स बनाने के, तो ऑलमोस्ट एंड तक आ गया है मेरा नोट्स का. तो तो अभी कैन वी यहाँ पॉज कंटिन्यू इन द लेना है. आफ्टरनून 2:30 बजे के अमन आसपास? अमन से पूछते हैं, मैं कर सकती अमन. हूँ, आई एम फ्लेक्सिबल टूडे, बिकॉज अभी फिर बहुत लंबा हो जाएगा, फिर अभी इफ्तार भी है ना जो रोजे कर रहे हैं लोग, रमजान का वो भी है. आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि अमन क्या करना है, दोपहर को आओगे फिर हो जाएगा आज का एपिसोड. क्या ढाई बजे ऐसे आ पाओगे, 3 बजे मतलब आपके आपके 12:30 बजे. रात के? ठीक हाँ है, आओगे फिर हमारा ये एपिसोड खत्म कर देंगे हम. हाँ तुम फिर एक साथ ठीक डाल देना सब पूरा लाइव, हाँ क्योंकि एक संडे साथ है ना क्या, तो यही उसका एक साथ नहीं, अभी ये वाला घंटे का है ये? ऑलरेडी 3. हाँ फिर वो 2 घंटे का होगा, बिकॉज ये अभी 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 लड़ाई वाला अनइंटरप्टेड करते हैं. ठीक है तो अच्छा हो गया. ओके ओके सॉरी रोज एक अच्छा टाइम हो गया. अच्छा तो फिर ईस्टर्न 3 o'clock गाइज, 3 o'clock मतलब बिटिया टाइम ट्वेल्व बता थर्टी दिया तो रात को आओगे. ये लोग फिर अपने अकॉर्डिंग सब एडजस्ट कर लेंगे. इंडिया टाइम बोल दिया करो, 12:30 रात के. बस अब सब लोग अपना अपना देख मैच कर लो. सॉरी हाँ गाइस, तो हमने सोचा था कि खत्म कर देंगे एटलीस्ट, लड़ाई बट नहीं हुई. नहीं हाँ लंबा हो गया सॉरी. बट ठीक है ना, 12:30 बजे आओगे ना सब लोग रात को. फिर मैं यूट्यूब लाइव में नहीं आऊंगी आज, सो आई हैव टू मेक माय नोट्स एंड गेट ऑन विथ माय लाइफ अंटिल 3 o'clock. फिर नोट्स भी मुझे मैं बनाने भी हैं फिर 10 मिनट के. पॉइंटर्स बना लेती हूँ. वो हाँ लड़ाई बिकॉज बहुत ये सही है. लड़ाई बहुत इम्पोर्टेंट लड़ाई है, और यू मतलब दिस इज लाइक ईस्टर्न टाइम 3 PM गाइज, USA टाइम नहीं, ईस्टर्न टाइम इज 3 PM, सेंट्रल इज 2 PM, एंड पैसिफिक इज नून. या
12 बजे दोपहर के. ओके ये लड़ाई ऐसे सोचो, दिस इज अ वार्म अप टू द जेलसी वीकेंड. इसके बाद चैनल को बहुत कंटेंट मिलता है टू स्टेज द जेलसी टास्क, इसीलिए दिस फाइट इज इम्पोर्टेंट. ओके ऑलराइट, सो सी यू गाइस सून. चंद ही घंटों में फिर मुलाकात होगी, आएंगे ब्रेक के बाद. देखते रहिए अमन का बीइंग अमन यूट्यूब चैनल. वाओ, बाय 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 बाय, हैव अ गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हैव अ ब्रेकफास्ट. चलो गाइस मिलते हैं फिर यूट्यूब लाइव पे, फिर उसके बाद इंस्टा लाइव पे. चलो बाय, टेक केयर.